हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग। ये कॉन्सेप्ट जो है डॉक्टर सैमुअल ऑर्टन एंड डॉक्टर एना ने दिया था उनके खुद के रिसर्च वर्क के बेसिस पे, जो कि उन्होंने किया था विद स्पेशल नीड स्टूडेंट इन 1930 में। देखिए मल्टी सेंसरी क्या होता है, मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन, एंड सेंसरी का मतलब होता है हमारे सेंसेस से जो चीज आए। तो अब हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे को अलग तरह से समझ आता है। किसी को हो सकता है आंखों में ज्यादा प्रॉब्लम हो, किसी को सुनने में दिक्कत हो, किसी से लिखा अच्छा ना जाता हो, भाई उससे जो है फाइन मोटर स्किल्स उनकी इतनी अच्छी ना हो, किसी को जो है स्पीच में दिक्कत है कि भी रीडिंग इतनी अच्छी तरह से नहीं आती है। तो जिस बच्चे को जिस तरह से भी समझ आता है वो इसमें कंफर्टेबली समझ सकता है, क्योंकि इसमें हमारी पांचों सेंस ऑर्गन यूज हो रही हैं। बच्चे को हर मेथड से समझाया जा रहा है। इसमें सेंस ऑर्गन्स कौन सी हैं? टेस्ट के लिए माउथ, स्मेल के लिए नोज, टच के लिए हमारे स्किन, एंड सुनने के लिए हमारे ईयर्स, एंड देखने के लिए हमारी आईज। ये हमारे पांच सेंस ऑर्गन है। हम इनमें से किसी भी मेथड से सीख सकते हैं। जैसे कि हम कोई चीज देख के सीख सकते हैं कि भाई टीचर आपको जो है पर्टिकुलरली कोई वीडियो दिखा रही है, चॉकबोर्ड पे लिख रही है, तो वो आप देख के सीख रहे हैं। आपको कोई ऑडियो सुना रही है टीचर, या फिर खुद बोल के बता रही है, तो वो आप क्या कर रहे हैं, आप कोई मतलब उससे ऑडिटरी सुन रहे हैं कि भाई सुन के सीख रहे हैं। आपको कोई चीज चखाती है टीचर, टेस्ट करवाती है, तो वो चीज है आप टेस्ट से सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को एप्पल दिखाया जाता है, तो वो एप्पल उसे याद हो गया, ए सेज एप्पल। एप्पल टीचर ने उसे सिर्फ बुक में ही नहीं दिखाया, उसे लाइव लाके दिखाया, 3D मॉडल दिखाया उसका, और उसको टेस्ट करने को बोला कि देखिए एप्पल एक फ्रूट है, हेल्दी फ्रूट है, आप इसको टेस्ट करके देखिए, ये ऐसा टेस्ट देता है, इसको स्मेल करके देखिए इसकी ऐसी स्मेल है। तो बच्चा उससे और भी ज्यादा सीखेगा कि नहीं, जब उसकी आईज बंद होंगी तब भी वो उसकी स्मेल से पता लगा सकता है, उसके टेस्ट से पता लगा सकता है कि यस इट्स एप्पल। तो इसका मतलब है जब हमारी एक से ज्यादा सेंसेस यूज होते हैं तो उसे कहा जाता है मल्टी सेंसरी टीचिंग, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि इसमें हम जो है उसको और करीब से सीख सकते हैं उस चीज को जो कि हमें टीचर एक बुक के माध्यम से समझाना चाह रही है, क्योंकि इसमें हम अपनी सेंसेस का यूज कर रहे हैं। हर स्टूडेंट डिफरेंट होता है, हर स्टूडेंट जो है उसको डिफरेंट मटेरियल से समझ आता है, डिफरेंट वे से समझ आता है, तो हर स्टूडेंट के लिए ये एप्लीकेबल हम कर सकते हैं, क्योंकि दिखा के भी सीख रहा है बच्चा, सुन के भी सीख रहा है, इसमें इसमें जो है वो किसी चीज को छू के भी सीख रहा है, तो हर तरह की सेंस वो यूज करके सीख रहा है। अब मान लीजिए कोई नया वर्ड टीचर इंट्रोड्यूस कर रही है क्लास में, तो बच्चे को जो है वो वर्ड पढ़ने में ही नहीं आ रहा, बच्चा प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, बच्चे टीचर ने जो है सामने चॉकबोर्ड पे लिख दिया वो वर्ड, और टीचर ने एक बार बोल भी दिया, लेकिन बच्चा जब प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रहा है तो वो नहीं आ रहा है अच्छी तरह से। जैसे आपने भी देखा होगा कि कोई वर्ड अगर टफ होता है तो हम गूगल पे डालते हैं हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, तो वो गूगल में हम स्लो स्पीड में सुनते हैं, फिर देखते हैं कि भाई वो सुनाई दे रहा है, तो वो क्या होती है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है एक आपकी, कि भाई आप जो है उससे अपनी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, बहुत अच्छी वर्बल आपकी कम्युनिकेशन उससे डेवलप होगी। जो है वो वर्ड को किसी भी तरह से फिर टीचर सुना के भी बार बार सुनेगा बच्चा, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन बच्चे को आएगी, और देखेगा तो उसकी स्पेलिंग बच्चे को लर्न होगी। तो इस तरह से हम मल्टीपल जो है अलग अलग सेंसेस यूज करके जो है बच्चे को सिखा सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से वेज हैं, सबसे पहले है ऑडिटरी। ऑडिटरी मतलब जो कि हम सुन के करते हैं, ऑडियो जैसे सुनते हैं आप, उसे कहा जाता है ऑडिटरी। देन है विजुअल, कि भाई आप कोई भी चीज आंखों से देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई तरह 3D मॉडल देख रहे हैं, कोई चॉकबोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं, कोई टेक्स्ट बुक देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, वो आपका होगा विजुअल। टैक्टाइल क्या होता है, टैक्टाइल होता है जिसे आप टच कर रहे हैं, जैसे क्ले को आप टच करके बना सकते हैं। बच्चों कोई विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है उसको टच करके 3D मॉडल दिखाया जाता है कि भाई ये स्क्वायर है, ये आपकी क्यूब है, ये आपका सिलेंड्रिकल है, इस तरह से दिखाया जाता है। काइनेस्थेटिक क्या होता है, जिसमें आप बॉडी मूवमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको सैंड पिट में ले गई है टीचर, क्ले एरिया में ले गई है, तो वहां क्ले से आप बनाते हैं खुद, जब अपने हाथों की मूवमेंट करते हैं तो उसे कहा जाता है काइनेस्थेटिक। ये दो तरह की है, आप फाइन मोटर ग्रॉस मोटर में काइनेस्थेटिक आती है। इसमें रिसर्चर ने क्या बोला है, बच्चा जो है 10% सीखता है अगर वो कोई चीज सुनता है सिर्फ, अगर कोई चीज जैसे टेक्स्ट बुक को वो सुन रहा है, टीचर बोल रही है वो सुन रहा है, तो उसको 10% तक याद रहती है वो। 30% उसे याद रहती है जब वो उस चीज को सुनता भी है और सामने देखता भी है, चाहे ब्लैक बोर्ड पे देख रहा है, चाहे कोई विजुअल देख रहा है, चाहे कुछ भी देख रहा है, वीडियो देख रहा है उसकी, तो उसे 30% तक वो याद रहती है। 40% तक बच्चे को याद रहती है जब वो सुनता भी है, देखता भी है, और खुद बोलता भी है उसके बारे में, कि कितना आपको याद हुआ है वो चीज, वो कितनी समझ पा रहा है, तो वो उस चीज को बोलता भी है, तो इसमें 40%। 70% बच्चे को याद रहती है जब वो चीज खुद करता भी है, बोल भी रहा है, और देख भी रहा है, और सुन भी रहा है, तो उस वो चीज उसे 70% तक उसकी मेमोरी में बैठ जाती है। तो मल्टी सेंसरी में आपको समझ आ गया, एक चीज हम फील करके सीखते हैं, एक चीज हम सुन के सीखते हैं, देख के सीखते हैं, और खुद अपने मोशन से सीखते हैं, वो चीज होती है हमारी मल्टी सेंसरी। यह है आपका प्रोसीजर ऑफ मल्टी सेंसरी टीचिंग। अब प्रोसीजर में क्या है, टीचर कोई भी एक मॉडल सेलेक्ट करेगी, मतलब कोई भी एक टॉपिक लेगी, चाहे प्री प्राइमरी विंग में फॉर एग्जाम्पल ABCD सिखाना है, तो उसके लिए टीचर एक राइम दिखा रही है और उन्हें बोल के भी बता रही है, मतलब दिखा भी रही है और बोल के भी बता रही है, तो हर तरह से टीचर उन्हें समझा रही है।
तो स्टूडेंट क्या, स्टूडेंट से क्या करेगी टीचर, थोड़ी देर बाद पूछेंगी कि आप रिपीट कीजिए इन वर्ड्स को जो आपको बोले हैं, या इन लेटर्स को रिपीट कीजिए जो लेटर आपको सिखाए गए हैं, या किसी कोई पैटर्न सिखाया जा रहा है मैथमेटिक्स का, कोई भी चीज हो सकती है, मैथ का, साइंस का, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी चीज आपको सिखा रही है टीचर, तो वो कहेंगी उस चीज को रिपीट करो। देन क्या करेगा बच्चा, उस चीज को रिपीट करेगा और उससे क्या है नई चीज और डिस्कवर करेगा। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने आपको करवाया 80 वाले वर्ड्स, अब टीचर दिखा रही है उसमें बैट, बैट इज 80 वर्ड, देन बच्चा खुद बताएगा सेकंड वर्ड कैट, मतलब इस तरह से न्यू डिस्कवरी करेगा बच्चा, तो उसको क्या होगा, उसका मेमोरी शार्प हो रही है इसमें। इसमें क्या है, टीचर जो है उन्हें पैटर्न दिखाए, जैसे कि आजकल स्मार्ट बोर्ड पे लेटर्स कैसे इंट्रोड्यूस किए जाते हैं नर्सरी क्लास को, कि भाई आप जो है पर्टिकुलरली ऐसे दिखा रहे हैं कि भाई ऐसे जो है फोल्ड होके एक हैंड आ रहा है और इस तरह से ए बन रहा है, तो बच्चा जो है ट्रेस करे अपनी बुक में कि भाई इस तरह से ए इंट्रोड्यूस हो रहा है, बी इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो बच्चे को बोला जाए कि ट्रेस कीजिए वो लेटर जो भी आप सुन पा रहे हैं, या जो भी आप चॉकबोर्ड पे देख पा रहे हैं, जो भी आप वीडियो में देख पा रहे हैं। देन उसके बाद उनको बोला जाए कि स्पेल करो और रीड करो इस फ्रेज को, छोटे छोटे उसमें पैराग्राफ दिए जाएं या लाइन दिए जाएं कि उनको रीड करो और स्पेलिंग बताओ, और इसकी फोनिक साउंड से देखो कि बी को क्या बोलते हैं, ब ब, सी को क्या बोलते हैं, कक, इस तरह से उनको फोनिक साउंड से सिखाया जाए। तो अब इसमें कौन से मेथड्स यूज हो गए इसके प्रोसीजर में, एक तो होल वर्ड मेमोरी आ गई बच्चों को, फोनिक साउंड आ गई बच्चों को, ट्रेसिंग मेथड आ गया। तो ये सब हम किससे सिखा रहे हैं, मल्टी सेंसरी टीचिंग से, कि बच्चों को मॉडल के द्वारा जब हम दिखाते हैं उनको और सुनाते हैं, कोई भी चीज टच करवाते हैं, तो उनको ये चीजें आ जाती है, उनकी फोनिक साउंड स्ट्रांग हो जाती है, वो ट्रेसिंग करने लग जाते हैं लेटर्स की, जब बार बार देखेंगे कि कोई एक जो है हैंड इस तरह से बना रहा है बार बार, तो वो देखेंगे जब उसे तो खुद भी बनाने लगेंगे, एक प्रैक्टिस में नहीं होगा, दो में नहीं होगा, तीसरी में होगा, तो इस तरह से होगा, इसी तरह से उनकी वर्ड मेमोरी भी शार्प हो जाएगी। तो ये होता है इसका प्रोसीजर। अब इसे है इसके करैक्टरिस्टिक, करैक्टरिस्टिक में सबसे पहला है कि इसमें हमारी सारी सेंसेस यूज हो रही हैं। सेकंड है कि इसमें जो बच्चे को, मान लीजिए बच्चा जो है वो सुन के ज्यादा सीखता है, या वो देख के ज्यादा सीखता है, या वो 3D मॉडल से ज्यादा सीखता है, हर तरह का बच्चा है, हर तरह की उसकी लर्निंग स्ट्रेटेजी हो सकती है, तो हर बच्चा डिफरेंट डिफरेंट है, तो उनको जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लर्न करवा के उनकी मेमोरी को शार्प किया जा सकता है, उनकी राइटिंग सुधारी जा सकती है, उनकी रीडिंग सुधारी जा सकती है, क्योंकि इसमें हमारी सारी सेंसेस यूज हो रही है। और ये हेल्प करता है कि आपके लर्नर्स के लिए, ताकि वो डिस्कवर करें कि उनको कौन सा लर्निंग स्टाइल बेस्ट लगता है, भाई उन्हें देख के ज्यादा अच्छा समझ आता है, सुन के ज्यादा अच्छा समझ आता है, खुद करके ज्यादा अच्छा समझ आता है, तो वो अपना खुद डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं आपको बहुत सारे। इट प्रोवाइड्स मोर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, आपको कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जैसे कि कोई लेटर सिखाया जा रहा है, कोई वर्ड सिखाया जा रहा है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको बताया जा रहा है, कहीं के बारे में आपको अवेयर किया जा रहा है, तो कोई भी चीज नई जब आप सीखते हैं तो उस चीज को इजिली रिकॉल कर सकते हैं, आप आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग मेथड्स दिए जा रहे हैं। इसमें आप किसी भी मेथड से समझा सकते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, ट्रैक्टाइल, ट्रैक्टाइल नहीं है ये, टैक्टाइल है यहाँ पे, एंड काइनेस्थेटिक हो रहा है। डिफरेंट टीचिंग मेथड्स एक्टिवेट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, बिल्कुल, अगर आप जो है डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करेंगे, एक एप्पल ही है मान लीजिए, फॉर एग्जांपल टीचर ने आपको दिखाया भी है, टेस्ट भी करवाया, स्मेल भी करवाया, और उसको टच भी करवाया कि भाई इस तरह से होता है एप्पल, तो वो कभी भूलेंगे नहीं आप, वो बहुत अच्छी तरह से आपको याद रहेगा, बच्चा देखते ही बोलेगा उस फ्रूट को कि ये एप्पल है। अफेक्टिव है ऑल टाइप ऑफ लर्नर के, सिर्फ ऐसा ही नहीं है, इसमें नॉर्मल क्लास पढ़ सकती है, इसमें जो है स्पेशल बच्चों की भी लर्निंग बहुत बेहतर हो सकती है, और ये ऐसा नहीं है किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए होता है, ये जो है किसी भी सब्जेक्ट के लिए यूज किया जा सकता है, रीडिंग के लिए यूज किया जा सकता है, मैथमेटिक्स के लिए यूज किया जा सकता है, साइंस के लिए, ड्रामा के लिए, हर तरह के लिए मल्टी सेंसरी टीचिंग यूज की जा सकती है। तो ये थे आपके करैक्टरिस्टिक, एंड देन आगे है अब टेक्निक। टेक्निक क्या है इसकी, टेक्निक में मैंने आपको पहले ही बार बार बता चुकी हूँ, चार टेक्निक्स हैं इसकी। सबसे पहले है विजुअल, विजुअल मतलब है आपको कोई भी चीज दिखा के सिखाई जाए, कोई रिसर्च पेपर दिखाया जा रहा है, कोई पोस्टर दिखाया जाए, कोई 3D मॉडल दिखाया जा रहा है, कोई वीडियो दिखाई जा रही है, कुछ भी चीज आपको क्रिएटिव दिखाई जा रही है, तो वो है आपकी विजुअल टेक्निक। देन है ऑडिटरी, ऑडिटरी में आपको कुछ सुनाया जा रहा है, जैसे कोई लिरिक्स सुना दिए हैं, कोई ऑडियो ट्यून सुना दी है, कोई राइम चला दी जाती है बच्चों के लिए, जैसे छोटे बच्चे हैं उनको राइम के थ्रू आजकल बहुत अच्छा जो है समझ आ रहा है, उनकी स्पीच क्लियर हो रही है, कोई डायलॉग सुनाए दिए जाते हैं, क्लैपिंग सुना दी जाती है, वो सारे क्या है आपकी ऑडिटरी में आते हैं। नेक्स्ट है आपकी टैक्टाइल, टैक्टाइल में क्या आता है, जिसमें आपके टच करके सीखते हैं, मतलब कि आप जैसे कोई भी आपको टेक्सचर दिखा दिया है, कोई आपको टीचर ने 3D मॉडल दिखा दिया है, आपको क्ले मॉडल दिखा दिया है, आपको प्लास्टिक से बना हुआ कोई टॉय दिखा दिया है, जिससे कि आप इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसको टच करके सीख सकते हैं, जैसे कि एप्पल, एप्पल आपको टच करके दिखाया टीचर ने तो आपको पता लग गया उसकी शेप क्या है, ऐसे ही रूबिक क्यूब है वो आपको दिखाया टीचर ने, स्क्वायर दिखाया, कौन शेप दिखाई, तो ये चीजें आपको टच करके पता लगी कि भाई हाँ इनकी इस टाइप की शेप होती है, इनको इस टाइप से जो है इनका टेक्सचर होता है, वो सब आप टच करके देख सकते हैं, जैसे कि आपको कोई रफ सरफेस दिखाया जा रहा है, कोई जो है आपको स्मूथ सरफेस दिखाया जा रहा है, आपको कपड़े की पहचान जो है टैक्टाइल टेक्निक से होती है, तो ये होती है टैक्टाइल टेक्निक, जब आप टच करके किसी भी चीज को देखते हैं।
देन है काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक में क्या होता है, मोशन, मतलब कि आप खुद करके सीख रहे हैं, डू बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कि आप खुद कर रहे हैं उस चीज को और फिर सीख रहे हैं। जैसे कि आपकी फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर में कौन सी आ जाती है, जैसे पेन पकड़ना, आप अपनी फिंगर से कितनी अच्छी तरह से, मतलब फाइन है वो मोटर। देन है ग्रॉस मोटर, ग्रॉस मोटर में पूरा हैंड किस तरह से मूव कर रहे हैं वो आती है ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो काइनेस्थेटिक जो है उसमें जैसे कि आप स्पोर्ट्स करते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, ये सब आपकी काइनेस्थेटिक में आती है। कि भाई आप खुद, जैसे आप कोई लेटर आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो आजकल क्या करते हैं लेटर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, आपसे सीधा नोटबुक पे ट्रेस नहीं करवाया जाता, बच्चे को जाते ही आजकल पेंसिल नहीं पकड़ा दी जाती है, पूरा एक साल बच्चे का आता है कि लर्निंग बाय डूइंग, आप खुद करके सीखिए। मतलब कि उसको सबसे पहले सैंडपिट पे लिखवाया जाएगा लेटर ए, उसकी बैक पे लिखवाया जाएगा लेटर ए, ऐसे ट्रेस करवाया जाता है दूसरे बच्चे से, तो बच्चे को लर्न हो जाता है कि इसका पैटर्न क्या है। पहले स्टैंडिंग लाइन आएगी, फिर हाफ कर्व आएगा, तो बच्चे को इसका पैटर्न समझ आ जाता है। पहले की तरह आप टेक्निक नहीं रही है, अब जो है बहुत सारी टेक्निक्स चेंज हो गई हैं, बेटर हो गई हैं और अच्छे से अब बच्चे को समझ आता है। देन आ गया है एडवांटेज ऑफ मल्टीसेंसरी टीचिंग। सबसे फर्स्ट एडवांटेज है वी लर्न विद अवर होल बॉडी। देखिए हम हर बच्चे को जो है समझने का तरीका अलग होता है, किसी की कोई सेंस ऑर्गन जो है एक्टिवली रोल प्ले करती है, किसी को देख के ज्यादा अच्छा समझ आता है, किसी को बोल के ज्यादा अच्छा समझ आता है, किसी को खुद एक्सपेरिमेंट करके ज्यादा अच्छा समझ आता है। तो फिर इसमें जो है हमारी सारी बॉडी के सेंस ऑर्गन यूज हो रहे हैं, चाहे वो स्मेलिंग है, टेस्टिंग है, टचिंग है, हियरिंग है, सींग है, तो इसलिए बच्चों को इसमें लर्निंग के ज्यादा मौके मिलते हैं। नेक्स्ट है इससे क्लासरूम आपका इंटरेक्टिव बनता है, मतलब टीचर अब आपको हर वे से समझा रही है, आपके सारे सेंस ऑर्गन्स यूज करके समझा रही है, तो इससे क्लासरूम आपका इंटरेक्टिव क्लासरूम बनता है, एनवायरमेंट आपका लर्निंग वाला एनवायरमेंट बनता है और हर बच्चा इसको एंजॉय करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट लर्निंग बाय डूइंग, स्टूडेंट खुद करके सीख रहा है इसमें, ऐसा नहीं है कि टीचर ने बता दिया तो आपको वो चीज माननी ही है, नहीं, स्टूडेंट इसमें लर्निंग बाय डूइंग खुद करके सीख रहा है, तो उसको वो अच्छी तरह से लर्न होती हैं चीजें। सेंसरी टीचिंग जो है वो अलाउ करती है स्टूडेंट को कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें लर्निंग प्रोसीजर में, जैसे कि बच्चा इसमें हर तरह से सीख रहा है, हर तरह से एक्टिव रोल प्ले कर रहा है। स्टूडेंट हैव डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है, तो इसमें जो भी बच्चे का स्ट्रॉन्गेस्ट लर्निंग स्टाइल होता है, हर माध्यम से आपको समझाया जा रहा है, बच्चा उस तरह से इसको सीख सकता है। कई बच्चों को जो है देख के बहुत अच्छी तरह से समझ आता है, कईयों को जो है सुन के बड़े अच्छी तरह समझ आता है, कि जब वो किसी चीज की ट्रांसलेशन अच्छी तरह से सुन लेते हैं अपनी मदर टंग में, तो फिर उनको बड़े अच्छी तरह से समझ आ जाता है। तो हर बच्चे का स्टाइल अलग होता है, तो मल्टीसेंसरी उन्हें इस चीज में हेल्प करती है। यहां पर जो है समझने के लिए एक तरीका नहीं है, काफी सारे तरीके हैं, न्यू इंफॉर्मेशन बच्चे को ग्रैस्प होती रहती है क्योंकि हर तरह से टीचर उन्हें समझा रही है। इसमें टीचर जो है इंटीग्रेट कर रही है विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल एंड काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल्स, हर तरह के एलिमेंट्स उसको बच्चे को दे रही है ताकि उसको अच्छी तरह से समझ आए। मल्टी सेंसरी टीचिंग में जो है बच्चे को ऐसा नहीं है कोई भी टफ चीज सिखाई जा रही है, कुछ भी ऐसी चीज सिखाई जा रही है बच्चे को जो उसको डायरेक्टली समझ नहीं आ रही, इसमें स्टेप वाइज सिखाई जाती है आपको कि भाई पहले आप उस चीज को अच्छी तरह से जो है बुक से रीड कीजिए, या आपको चॉकबोर्ड पे लिखा गया है आप उसको रीड कीजिए, फिर आपको उसका विजुअल दिखाया जाएगा, 3D मॉडल दिखाया जाएगा, तो वो चीज बच्चे के पक्की हो जाती है, अच्छी तरह से लर्न हो जाती है, मेमोरी में बैठ जाती है। इसमें इवेल्युएट करेगी स्टूडेंट्स को, जैसे कि मान लीजिए किसी की स्ट्रेंथ है रीडिंग में, किसी की स्ट्रेंथ है लिखने में, किसी की स्ट्रेंथ है ड्राइंग बनाने में, तो मान लीजिए एक वर्ड इंट्रोड्यूस करवाना है टीचर को, टीचर जो बच्चा थोड़ा सा वीक है रीडिंग में, वीक है जिसको बोलना इतनी अच्छी तरह से स्पीच उसकी क्लियर नहीं है, तो उस बच्चे को कहेगी जाओ आप चॉकबोर्ड पे इस पिक्चर को ड्रॉ करके आओ। वो ड्रॉ करेगा, जो स्ट्रांग रीडर होगा उनकी बुक में कि भी जो अच्छी तरह से रीड कर सकता है, उससे टीचर बोलेगी कि अब इसकी प्रोनाउंसिएशन करो, उस बच्चे ने क्या ड्रॉ किया, वो प्रोनाउंस करेगा, फिर टीचर बोलेगी सारे क्लास को कि आप रिपीट करो, रिपीट आफ्टर हिम कि उसने क्या बोला है, आप सारे बच्चे रिपीट करो, जब वो रिपीट करेंगे तो वो चीज उन्हें अच्छी तरह से समझ आ जाएगी क्योंकि उन्हें वीडियो भी दिख रहा है और उन्हें वो चीज सुनाई भी दे रही है कि इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। अब जैसे इंक्लूसिव क्लासरूम में स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाए जाते थे कि भाई उनको जनरल एजुकेशन सिखानी है, स्पेशल एजुकेशन के लिए अलग टीचर आ रही है, अब मल्टीसेंसरी में क्या है, आपको इसमें अलग अलग ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, सेम एक्टिविटी से, सेम लर्निंग पैटर्न से जो है एक नॉर्मल बच्चा और एक जो है डिसेबल बच्चा भी आराम से सीख सकता है, क्योंकि टीचर इसको कई मेथड से समझा रही है, कई तरह से समझा रही है, कई टेक्निक से समझा रही है, इसलिए बच्चा जो है इसमें इंक्लूसिवली एक साथ सीख सकता है, आपको कोई इसमें अलग से टीचिंग देने की उन्हें जरूरत नहीं है, आपको अलग से जो है उनको डिवाइड करने की ग्रुप्स में जरूरत नहीं है। इंक्लूसिव क्लासरूम में जो है ये कंप्लीट एक्टिविटी होती है, सब बच्चों के साथ होती है और स्पेशल बच्चों को भी अच्छी तरह से समझ आती है, क्योंकि हर बच्चे में हर तरह की कमी नहीं होती है, बच्चा जो है किसी ए मेथड से नहीं समझ पा रहा तो दूसरे से समझेगा, तो इस तरह से हर बच्चे की नीड इससे कंप्लीट हो रही है। मल्टी सेंसरी टीचिंग इज अफेक्टिव फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स, बिल्कुल हर स्टूडेंट के लिए अफेक्टिव है ये, क्योंकि इसमें सारी टेक्निक्स यूजफुल हैं जो कि बच्चा जो है किसी भी टेक्निक से सीख सकता है, और इसी तरह से इंप्लीमेंटिंग है, बिल्कुल सेम है इसी वाला, इंप्लीमेंटिंग मल्टी सेंसरी अप्रोच फॉर लर्निंग स्पेशल लर्निंग नीड। अब किसी बच्चे को जो है देखने में थोड़ी प्रॉब्लम है तो उसको सुन के सीख सकता है वो, किसी को जो है सुनने में प्रॉब्लम है तो वो टच करके और देख के सीख सकता है उस चीज को, तो इस तरह से इतने मेथड हैं जितने भी, इसके ऑडिटरी है, टैक्टाइल है, काइनेस्थेटिक है, एंड इसका जो ऑडिटरी आ गया, विजुअल आ गया,
तो वो चीज आप जो है किसी भी मेथड से बच्चों को सिखा सकते हैं उनकी नीड्स के अनुसार। जैसे कि इसमें अर्ली चाइल्डहुड कॉन्सेप्ट, जो कि बच्चा देख के सीखता है, मतलब पिक्चर्स दिखाई जाती हैं उसे, वो गैस करता है, किसी चीज को टच करता है, राइम सीखता है, तो वो सारी चीजें जो हैं उसकी अर्ली चाइल्डहुड कॉन्सेप्ट में मल्टीसेंसरी में हम कर सकते हैं कि भाई कोई गेम प्ले करवा लिया उनसे, कोई चीज उनसे फिंगरप्रिंटिंग करवा ली है, एक्शन सॉन्ग करवा लिया है उनसे, टच करवा लिया है, पिक्चर्स दिखा दिए, तो इस तरह से बच्चे सीखते हैं। आपका आ गया है रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें रीडिंग में जैसे कि बच्चे को जो है कोई भी एक वर्ड दिखाया गया, उसको बार बार वो बोल रहा है फोनिक साउंड के थ्रू, तो वो उस चीज से सीखेगा, और बच्चे को जो है सैंडपिट में लिखवाएंगे वही सेम वर्ड, टीचर जो है एक बुक में लिखा हुआ अल्फाबेट है उस पे बार बार ट्रेस करवाएगी उसके फिंगर से, तो इस तरह से वो पक्के हो जाता है बच्चे का। अर्ली मैथ में क्या है, जैसे कि कोई भी सॉर्टिंग गेम दे दिया, अब आपको दे दिया कि भाई खूब सारे मिक्स करके उनमें ब्लॉक्स दे दिए हैं, कोई भी चीज दे दी है, बच्चे उन्हें सॉर्ट कर रहे हैं बैठ के, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देख रहे हैं, कोई पजल्स दे दिए बच्चों को शेप्स के बनाने के लिए, तो बच्चे उससे सीख रहे हैं। कोई भी ज्वाइनिंग मटेरियल दे दिए कि भाई दो ट्रायंगल है उनको ज्वाइन कर दीजिए तो क्या बनेगा, इस तरह से कोई भी उन्हें पैटर्न दे सकते हैं जिससे कि वो मैथमेटिकल जो इजी मैथमेटिक है, अर्ली मैथमेटिक है, वो सीख सकता है। यह स्टूडेंट विल रिस्पॉन्ड मल्टीसेंसरी टीचिंग में जो है टीचर उन्हें गेम्स से सिखाती है, एक्टिविटीज करके सिखाती है, तो बच्चा इस चीज को एंजॉय करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बुक रीडिंग करवा रही है टीचर तो मतलब बोरिंग नहीं बनाती है टीचर इसको, ये बहुत ही अच्छी लगती है, एंजॉय करते हैं बच्चे इसमें और अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड भी करते हैं, मतलब वो क्या सीख रहे हैं ये इनको हेल्प करती है कि भी उनकी लर्निंग को और बेहतर बनाती है, बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं क्लास में, इंटरेक्टिव क्लासरूम बनता है। That's it for आपका मल्टीसेंसरी टीचिंग। होप सो ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसका इसमें समरी यही है, मल्टीसेंसरी का मतलब है हमारे पांच सेंस ऑर्गन जो है, कोई भी सेंस ऑर्गन जिससे बच्चे को अच्छी तरह समझ आता है हम उस टेक्निक से बच्चे को समझाते हैं, तो बच्चे को और ज्यादा मेमोरी इसमें शार्प होती है। तो ये आपका था मल्टीसेंसरी टीचिंग। हम कर रहे हैं सपोर्ट सर्विसेज एंड पार्टनरशिप इन टीचिंग। इसमें सबसे पहले आ गया है रोल ऑफ स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। देखिए स्कूल जो है वो एक एक्टिव एंड फॉर्मल एजेंसी है एजुकेशन की। मैं आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल पहले ही बता चुकी हूँ। फॉर्मल वो होती है जिनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, जैसे कि फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन कहा गया है, मतलब स्कूल का एजुकेशन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, भाई उनका एम ही यही है कि बच्चे को एजुकेटेड करना है, तो वो स्कूल का डायरेक्ट काम है। अब पेरेंट्स और फैमिली जो है वो इनफॉर्मल एजेंसी है एजुकेशन की। कैसे, बच्चे को वो मॉरल्स भी देते हैं, एजुकेट भी कर रहे हैं, घर पे भी पढ़ा रहे हैं, जैसे कि प्री प्राइमरी स्कूल से पहले पेरेंट्स उन्हें घर पे ही एबीसीडी सिखा देते हैं, 1 to 10 सिखा देते हैं, और जब बड़े बच्चे हो जाते हैं उनकी एग्जामिनेशन में हेल्प करते हैं हर चीज में, लेकिन वो एक इनफॉर्मल एजेंसी है, मतलब कि वो कोई सर्टिफाइड एजेंसी नहीं है, वो बच्चों को सिर्फ एक तरह से मोटिवेट कर रहे हैं और उनको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन स्कूल उनको प्रॉपर सर्टिफाइड करता है, प्रॉपर उनकी मार्कशीट देता है, प्रॉपर एजेंसी है, उसे कहा जाता है फॉर्मल एजेंसी। डेफिनेशन स्कूल की कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि स्कूल इज अ स्पेशल एनवायरमेंट, एक स्पेशल एनवायरमेंट आपको दिया जाता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, कि भी आप जो है वहां से इंडिपेंडेंट होकर निकलते हैं, आपकी जो है मेंटल स्किल्स डेवलप होती है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स डेवलप होती है, आपकी सोशल स्किल्स डेवलप होती है, स्कूल जो है आपकी प्रॉपर ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, तो ये काम है आपके स्कूल का। अब रोल एंड फंक्शन क्या है स्कूल के, सबसे पहले है डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज। स्कूल सिर्फ आपको एकेडमिक तक ही सीमित नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ाई करवा दी टेक्स्ट बुक से, बस दैट्स इट, नहीं, स्कूल जो है वो आपकी मोरालिटी में, आपकी जो है डेवलपमेंट, प्रॉपर डेवलपमेंट जो होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल आपको सिर्फ ये नहीं सिखा रहा है आपको बुक रीडिंग करनी है, आपको अच्छे मार्क्स लाने, नहीं, आपको एक अच्छा सिटीजन बना रहा है अपनी कंट्री का, आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बना रहा है, आपको मेंटली स्टेबल कर रहा है, आपकी हर चीज में वो करेक्शन कर रहे हैं, उसे कहा जाता है आपका स्कूल। तो स्कूल का काम है आपको वैल्यूज प्रोवाइड करना कि भाई क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, क्या हमारा लॉ है, क्या चीज आपको आगे करनी चाहिए, क्या चीज आपको नहीं करनी चाहिए, क्या आप चूज कर सकते हैं, हर चीज की प्रॉब्लम आपका स्कूल सॉल्व करता है। स्कूल आपको मॉरल वैल्यूज देता है, आपको स्पिरिचुअल वैल्यूज देता है कि भाई आपको आप कैसे एक अच्छे सिटीजन बन सकते हैं, आपके मौलिक अधिकार क्या है, आप कैसे अच्छे जो है स्पिरिचुअल वैल्यूज ला सकते हैं जिससे कि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बने, आप फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लर्निंग पावर, कॉन्सेंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है। देन है आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। अब स्कूल सिर्फ एक ही डेवलपमेंट की तरफ नहीं देखता कि सिर्फ स्पोर्ट्स करवा रहे हैं या एकेडमिक करवा रहे हैं, आपकी फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, एस्थेटिक, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज सब पे ध्यान देता है, की डेवलपमेंट करवाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके डिबेट कंपटीशन होते हैं, क्विज कंपटीशन होते हैं, आपके स्पोर्ट्स होते हैं, आपके ऐसे कल्चरल शोज होते हैं, तो हर तरह की डेवलपमेंट स्कूल में होती है आपकी। ट्रांसमिशन एंड एनरिचमेंट ऑफ कल्चर। स्कूल इज अ सेवियर ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन। वो क्या करता है, ट्रांसमिट द कल्चरल वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी टू द पीपल। अपनी सोसाइटी की जो कल्चरल वैल्यूज थी, आपके जो पूर्वजों से चलती हुई आ रही है, वो आप तक पहुंचाते हैं और इसकी मॉडिफिकेशन में भी वो हेल्प करते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी आपका कल्चर ऐसा चलता हुआ आ रहा है, इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है या रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सोसाइटी, योर कंट्री, तो उस चीज को रिकंस्ट्रक्ट भी वो करते हैं। देन
ऑफ सोशल एफिशिएंसी। देखिए स्कूल क्या है, स्कूल एक तरह की मिरर है सोसाइटी के लिए, मतलब स्कूल एक रिफ्लेक्शन देता है सोसाइटी को कि भी स्कूल से बच्चे क्या सीख के आ रहे हैं, सोसाइटी में बच्चे रह रहे हैं, कम्युनिटी में रह रहे हैं, तो मतलब स्कूल उन्हें बताता है कि क्या चीज राइट है, क्या चीज रॉन्ग है, क्या चीज आपके लिए बेटर है कि भी आप इसमें हेल्प कर सकते हैं अपनी सोसाइटी की, अपनी कम्युनिटी की, अपनी कंट्री की, तो वो चीजें मोरल वैल्यूज जो है वो स्कूल आपको सिखाता है। एडजस्टमेंट इन सोसाइटी, आप सोसाइटी में कैसे एडजस्ट होना है, इंडिविजुअल एक बच्चा है मान लीजिए, उसको कैसे एक बेहतर सिटीजन बनना है, कैसे वो सारे लॉ को फॉलो करेगा, हर चीज जो है वो स्कूल उसे सिखाता है। मतलब एक बैलेंस बना के चलता है कि वो इमोशनली, मेंटली और सोशली उसका वेल एडजस्टेड हो सके उनका चाइल्ड, तो वो चीज आपको स्कूल सिखाता है, वो मोरल वैल्यूज। इम्पार्टिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, अब जैसे कोई बच्चा एकेडमिक कर रहा है, एकेडमिक के बाद वो किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाना चाहता है ताकि उसको जो है उसमें वो इंडिपेंडेंट हो सके, तो वो चीज भी आपको स्कूल प्रोवाइड करता है। इम्प्रूविंग नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी का मतलब है कि स्कूल में कभी भी आपको जो है भेदभाव नहीं सिखाया जाता है कि आपका क्या जेंडर है, आपका क्या रिलीजन है, क्या कास्ट है, वहां पे सिर्फ एक चीज की बात होती है कि भी आप इस कंट्री से रिलेट करते हैं, आपको अपनी कंट्री को कैसे इंप्रूव करना है, इसकी नेशनलिटी को कैसे इंप्रूव करना है, इकोनॉमिकली कैसे बेहतर कर सकते हैं, आप कैसे इसे और डेवलप कर सकते हैं, वो चीज आपको सिखाई जाती है, तो उस चीज में आपको स्ट्रांग बनाया जाता है। डेवलपिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इसमें क्या है, आपको ह्यूमन राइट्स सिखाए जाते हैं, डिग्निटी सिखाई जाती है, मैनकाइंड सिखाई जाती है, दूसरे से झगड़ा करना नहीं सिखाया जाता, हर जगह पीस कैसे रखा जाता है, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बिहेव कैसे किया जाता है, वो सब चीजें आपको स्कूल ही सिखाता है। इसमें ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, मतलब स्कूल ही जो है वो आपको जो है लीडरशिप क्वालिटी देता है, ट्रेनिंग देता है उस पर्टिकुलर चीज की कि आपको किस तरह से एक काबिल लीडर जो है वो बनना है, वो आपको स्कूल ही देता है। नेक्स्ट आपका आ गया है फंक्शन ऑफ होम इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। अब होम जो है वो मैं पहले बता चुकी हूं, आपको इनफॉर्मल एजेंसी है, इनफॉर्मल का मतलब है उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है एजुकेशन से या किसी इंस्टीट्यूट से, बट वो आपको घर में वैल्यूज दे रही है, तो होम जो है आपकी इनफॉर्मल एजेंसी है एजुकेशन की। देखिए कोई भी डेफिनेशन आप देख लीजिए, सबसे पहला आपका जो एजुकेशन आपकी स्टार्ट होती है वो आपकी घर से होती है, आपकी फैमिली से होती है, क्यों, वहां पे आप लव केयर और अपना सपोर्ट देखेंगे तो वहां पे आप सेफ महसूस करते हैं, आपका नेचर उन्हीं के अकॉर्डिंग बनता है, सब चीजें पर्सनैलिटी आपकी उन्हीं के अकॉर्डिंग बनती है, जैसे आप अपने पेरेंट्स को देखते हैं, जैसे वो आपको ग्रो कर रहे हैं विद केयर। और अगर मान लीजिए किसी के घर में झगड़े ज्यादा होते हैं या फिर वहां डिस्प्यूट ज्यादा है, सोसाइटी ऐसी है, उनकी फैमिली ऐसी है, तो फिर बच्चे भी जो है उसी तरह के एग्रेशन वाले बच्चे बनते हैं, एग्रेसिव नेचर लेते हैं, जो जैसे हमने पीछे पढ़ चुके हैं हम कि जिस तरह की लर्निंग हमें मिलेगी एडल्ट से हम उस तरह की लर्निंग स्टार्ट करते हैं। स्कूल तो आपकी फॉर्मल एजेंसी बाद में आती है, पहले जो है आपकी फैमिली से ही आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, बाय फैमिली वी मीन अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, होम अ सेंटर ऑफ लव अफेक्शन इज द बेस्ट प्लेस ऑफ एजुकेशन एंड द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड। हमेशा कहा जाता है कि स्कूल मतलब आपका घर ही जो है आपका फर्स्ट स्कूल होता है, आपकी मदर आपकी फर्स्ट टीचर होती है, भाई मदर आपको क्या सिखा रही है, कैसी वैल्यूज दे रही है, कैसे बोलना सिखा रही है, कैसे ट्रीट करना सिखा रही है, कि दूसरों के साथ आपको कैसे बोलना है, तो वो चीजें आपकी फर्स्ट वैल्यू बच्चे के दिमाग में वो चीजें बैठती हैं। देन है फंक्शन क्या है होम के, फर्स्ट इसमें आ गई है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में देखिए फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो अपने बच्चे को एक फेवरेबल अपॉर्चुनिटी दे कि भाई वो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी हो सके, जैसे कि उसे न्यूट्रिशियस फूड दे, उसे प्रॉपर क्लोथिंग दे ताकि वो हाइजीन मेंटेन कर सके, उसको प्रॉपर रेस्ट दें, स्लीप दें, प्ले का भी टाइम दें, एक्सरसाइज बताएं और मेडिकल एड बताएं। आप बच्चे को आप सिर्फ ये कहेंगे कि नहीं तुम्हें पढ़ाई करनी है, स्कूल से आने के बाद ट्यूशन जाना है बस, तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, वो बच्चा ओबीज होता जाएगा, वो फिजिकली एक्टिव नहीं रह पाएगा और इस तरह से उसकी फिजिकल डेवलपमेंट पे असर पड़ेगा। तो इसलिए पेरेंट्स को ये एंश्योर करना चाहिए कि बच्चा जो है उसको खेलने का भी टाइम मिल रहा है, उसको पढ़ने का भी टाइम मिल रहा है, रेस्ट करने का भी टाइम मिल रहा है, कपड़े भी अच्छे पहन रहा है, खाना भी अच्छा खा रहा है, ये सब ड्यूटी जो है पेरेंट्स की होती है। अगर उनपे जो है अटेंशन पे नहीं करेंगे चाइल्ड की इंटरनल और एक्सटर्नल क्लीननेस पे, तो बच्चा इस चीज के बारे में इनकैपेबल होगा, उसको नहीं समझ आएगा कुछ भी कि मुझे क्या करना है। पेरेंट्स ही बताएंगे उसे कि मॉर्निंग में उठते ही आपको जो है वार्म वाटर लेना है या मिल्क लेना है जिससे कि आपका बाउल क्लियर हो, ये बहुत जरूरी है डेली के लिए, आपको जो है अपनी आईज को अच्छी तरह से वॉश करना है, अपने नोज को अच्छी तरह से क्लीन करना है, तो ये चीजें पेरेंट्स उसे बताते हैं कि आपको हर तरह की हाइजीन मेंटेन रखनी है। तो इस तरह से बच्चा जो है प्रॉपर फिजिकल उसकी डेवलपमेंट हो पाती है और देखने में भी बच्चा जो है जो साफ सुथरे बच्चे आते हैं वो टीचर्स को भी अच्छे लगते हैं कि भाई हाँ वेल मेंटेन्ड है ये बच्चे, इनकी हेल्थ भी अच्छी है, इनकी जो है हाइजीन भी है, इनको प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस भी है, सब कुछ वो टीचर को भी अच्छे लगते हैं फिर वो चीज। तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या होती है,
अब पेरेंट्स का रोल होता है, बच्चे जो हैं सबसे पहले इमोशनली अटैच होते हैं अपने पेरेंट्स से, वो हर चीज छोटी छोटी चीजें आके पेरेंट को बताएंगे, पेरेंट को ऐसे सॉल्यूशन देने चाहिए, इस तरह से उनको सिक्योर करके रखना चाहिए, केयर देनी चाहिए, लव से समझाना चाहिए कि बच्चे वहां पे सेफ महसूस करें और बच्चे अपनी हर चीज पेरेंट्स से शेयर करें, इस तरह से वो इमोशनली स्ट्रांग बन सकते हैं बच्चे, उनको वीक महसूस नहीं हो सकता। बच्चों कोई प्रॉब्लम हो और पेरेंट्स उसका सॉल्यूशन ना दे तो बच्चा कोई और रास्ता ढूंढता है कि भाई मैं किसको अपनी प्रॉब्लम बताऊं, कहां से मुझे सॉल्यूशन बताएगा, तो वो छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी हो सकती है अगर पेरेंट्स उनका साथ ना दे। तो इसलिए पेरेंट्स को जो है प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए बच्चे को, और इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, चाहे तो डिनर टाइम पे हो, चाहे बच्चे को हाफ एन आवर दे स्कूल से आने के बाद, तो एक ऐसा टाइम देना चाहिए जिससे बच्चे उनसे कनेक्ट हो सके इमोशनली, अच्छी तरह से अपनी सारी फीलिंग्स उनसे शेयर कर सके। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो भी बच्चे का फैमिली से स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि बच्चा लैंग्वेज कहां से सीखता है, बच्चा जो है अपने कोई भी इंटरेस्ट अपनी हॉबीज बना रहा है वो कहां से सीखता है, अपने पेरेंट्स को देख के सीखता है। ज्यादातर बच्चों के रोल मॉडल उनके पेरेंट्स ही होते हैं कि उनके पापा क्या कर रहे हैं, उनकी मम्मा क्या कर रही है, बच्चे जो है उसी हिसाब से सीखना स्टार्ट कर देते हैं, और उस टाइम में जो स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं उस टाइम में बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती है, तो इसलिए वो जल्दी से ग्रेस्प करता है कि हाँ मदर क्या बोल रही है, फादर क्या बोल रहे हैं, घर में किस तरह से ये बात कर रहे हैं, सब चीजें जो है उनकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को मेंटेन करती है। देन कैरेक्टर डेवलपमेंट में आता है कि फैमिली जो है वो एक्टिव रोल प्ले करती है बच्चे के कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, फैमिली एक फाउंडेशन है बच्चे के कैरेक्टर के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा अपने पेरेंट्स को देखता है कि वो किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से जो है वो हमें हमारी केयर कर रहे हैं, क्या वो कभी झूठ तो नहीं बोल रहे किसी चीज के बारे में, तो हर चीज बच्चा नोट करता है और फिर वही संस्कार बच्चे के अंदर भी आते हैं। देन हमें फंक्शन में क्या आता है कि पेरेंट्स को बच्चे की हर तरह से उनकी नीड्स के लिए हेल्प करनी चाहिए कि बच्चे को क्या बुक्स चाहिए, क्या उसको जो है ड्रेस चाहिए, क्या पर्टिकुलर चीज की उसे नीड है इस टाइम में, तो वो चीजें उसकी इकोनॉमिकली मतलब पूरी करनी चाहिए बच्चे की। अगर फैमिली में जैसे मदर फादर है वो कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन में है और बच्चे को भी उसी वोकेशनल ट्रेनिंग में आना है कि भाई फैमिली बिजनेस संभालना है आगे, तो वो प्रॉपर जो है पेरेंट्स उसकी हेल्प करें, उसको उस तरह की पढ़ाई करवाएं, उसके लिए पैसे दें, तो वो होता है कि फाइनेंस इकोनॉमिक जो है वो फंक्शनिंग भी पेरेंट्स का ही ड्यूटी है। देन आता है आपका कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो भी पेरेंट्स से ही डेवलप होती है, कि आपकी मॉरल कैसी सोच है, आप स्पिरिचुअल कितने हैं, आप रिलीजियस कितने हैं, आप सोसाइटी में कैसे रहते हैं, तो वो एक पर्सनैलिटी बना देती है। जैसे पेरेंट्स चलते हैं वैसे ही बच्चे को लगता है कि भी हाँ ये चीज अच्छी होगी अगर पापा कर रहे हैं, मम्मा कर रही हैं, तो वो उसी तरह से फिर उनकी भी पर्सनालिटी उसी तरह से डेवलप होने लग जाती है। देन है सोशल डेवलपमेंट। अब सोशल डेवलपमेंट में क्या आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास आपके घर कोई फैमिली फ्रेंड आते हैं, या आपके आप सोसाइटी में पार्क में किससे कैसे बात कर रहे हैं, हर चीज बच्चा नोट करता है कि भाई कितनी कोऑपरेटिव है आप, कैसे खा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, पापा ऑफिस कैसे कपड़े पहन के जाती हैं, मम्मा कैसे कपड़े पहन के जाती हैं, कैसे वो खाती हैं, कैसे उनके टिफिन लेके जाते हैं, तो हर चीज डिपेंड करती है वो पेरेंट्स से सीख रहे हैं। चीज में अगर आप हमेशा आप करके बात करेंगे पेरेंट्स, तो बच्चा भी हमेशा आप करके ही बात करेगा, वो भी अब्यूजिंग लैंग्वेज नहीं यूज करेगा अगर वो घर में नहीं सुनता है, तो मतलब वो एनवायरनमेंट एक पेरेंट्स उसका क्रिएट कर देते हैं कि भी आपको हमेशा लव एंड अफेक्शन से ही दूसरों को देखना है, किसी को कॉन्फ्लिक्ट की नजर से नहीं देखना, क्योंकि अगर घर में प्यार से रहेंगे सब, बहुत अच्छी तरह से शेयरिंग करेंगे, तो वो बच्चा वही चीजें सीखता है। अगर में झगड़े ज्यादा होंगे तो बच्चा जो है उसी तरह से एग्रेसिव बिहेवियर होता है, क्योंकि वहां पर फिर रिस्पेक्ट भी नहीं होती है और इस तरह से वो चीज डाउन हो जाती है। तो इसीलिए घर में शांति रखनी चाहिए, बच्चों को लव एंड अफेक्शन देना चाहिए, अच्छी पर्सनैलिटी के कपड़े पहनने चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, अच्छी तरह से बात करनी चाहिए, तो हर चीज बच्चे पे इफेक्ट करती है। कल्चरल डेवलपमेंट में क्या आता है, कल्चरल डेवलपमेंट में आता है कि फैमिली इसमें बहुत ही मेन रोल प्ले करती है कि भी आपका कल्चर क्या है, आपका हेरिटेज क्या था, मतलब आपकी जनरेशन वाइज क्या चीजें चलती हुई आ रही हैं, तो वो चीजें पेरेंट्स आपको अवेयर करवाते हैं उस चीज के, और आपको उसकी वैल्यूज बताते हैं, आपका ट्रेडिशन बताते हैं, आपके कस्टम्स बताते हैं कि ये चीजें आपके पूर्वजों से आपकी चलती हुई आ रही है। वो चीज आपको कहां से अवेयर होते हैं, पेरेंट्स से अवेयर होते हैं। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये भी जो है बच्चे को अपने पेरेंट्स से ही आती है कि कितने रिलीजियस है वो। फॉर एग्जाम्पल वो डेली सुबह उठ के प्रेयर करते हैं, डेली सुबह उठ के सूर्य को जल दे रहे हैं, शाम को सारों को एक साथ कह रही है मम्मा कि आप सारे आरती में आके जो है खड़े होइए, किस दिन छुट्टी है तो वो टेंपल जाके आते हैं, तो इस तरह से सारे रिलीजियस चीज जो है हमें फैमिली से ही मिलती है। नेक्स्ट है सिविक फंक्शन, बच्चा जो है डिसिप्लिन कोऑपरेटिव और कितना टॉलरेटिव, कितना पेशेंस लेवल है उसका, ये भी वो फैमिली से ही सीखता है कि कितना डिसिप्लिन रहना है। अब जैसे मदर उसे जो ड्यूटीज देती हैं कि आपको अपना बैग ऐसे सेट करना है, आपको अपनी ज्योमेट्री बॉक्स ऐसे सेट करनी है, आपको घर अपना क्लीन रखना है, आप अपने टॉयज जो है अगर फैला रहे हैं तो उनको क्लीन कीजिए, तो बचपन से ही बच्चे के अंदर ये संस्कार आने लग जाते हैं कि भाई हाँ मुझे ये चीज क्लीन रखनी है, क्लीनलीनेस इज अ गुड थिंग, या कोऑपरेटिव लर्निंग इज अ गुड थिंग, कि भाई मैं अपने छोटे भाई बहन को भी ये चीज सिखा रहा हूं। यहां से जो है ये सब चीजें आप जैसे डिसिप्लिन है, कोऑपरेटिव है, टॉलरेंस लेवल अपनी जो है, पेशेंस लेवल है, अपनी ड्यूटीज को समझ रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझ रहे हैं, वो सब चीजें भी आपको पेरेंट्स से ही मिलती हैं।
एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जर्नल स्पेशल एंड रिसोर्स टीचर, अ टीचर इज अ बिल्डर ऑफ नेशन। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं हम कि टीचर में ऐसी क्या क्वालिटीज होती हैं, टीचर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती है जो उसको नेशन बिल्डर कहा गया है। देखिए आपके जो स्टूडेंट है अभी, टीचर जो जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाती है उनका फ्यूचर वो कंस्ट्रक्ट करती है, उनमें जो है स्किल्स डेवलप करती है, उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स जो थी उनको सॉल्व करती है एक गाइड की तरह, एक फ्रेंड बनके। तो इस तरह से टीचर उनकी हेल्प करती है हर चीज में, और उनको नॉट इवन ओनली इन एकेडमिक्स, उनके हर तरह के स्किल्स जो हैं उन चीजों को वो स्टेबल बनाती हैं, उन चीजों को वो डेवलपमेंट में उनकी हेल्प करती हैं। तो इसीलिए वो फ्यूचर में जाके जब उसी कंट्री को सर्व करते हैं तो वो एक गुड सिटीजन की तरह सर्व करते हैं। उनकी मॉरल ड्यूटीज हर चीज का उन्हें पता होता है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। तो टीचर हर तरह के स्किल्स उनके डेवलप करती है। इसीलिए एक टीचर को, टीचर जब उनका फ्यूचर कंस्ट्रक्ट करती है, टीचर जब उनको अच्छी शिक्षा देती है, तो तभी जो है वो अच्छे सिटीजन बन सकते हैं। वो देश की इकोनॉमी में भागीदारी करते हैं, देश को डेवलप कराने में भागीदारी करते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजीज में भागीदारी करते हैं। तो इस तरह से एक अच्छी टीचर को, एक गुड क्वालिटी टीचर को जो है वो नेशन बिल्डर का दर्जा दिया गया है। टीचर इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। बिल्कुल, एजुकेशन सिस्टम सारा जो है टीचर के ही इर्द गिर्द घूमता है। टीचर जैसी होगी वैसा ही अपने स्टूडेंट, अब करिकुलम बन गया है, एजुकेशन पॉलिसीज आ गई हैं, टीचर किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को वो डिलीवर कर रही है, किस तरह से कन्वे कर रही है अपनी नॉलेज को, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हमारी इंडियन प्रेयर्स में टीचर को जो है ब्रह्मा विष्णु एंड महेश्वर, जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, इन तीनों का दर्जा दिया गया है कि टीचर जो होती है वो एंटायर यूनिवर्स होती है। विदाउट गुड टीचर इवन द बेस्ट सिस्टम इज फाउंड टू फेल। कितना भी अच्छा आपका स्कूल का सिस्टम हो, कितना भी आपका एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, कितनी भी आपकी पॉलिसीज अच्छी हो, अगर टीचर अच्छी नहीं है, जो बच्चों को अच्छा समझा नहीं सकती है, अच्छे स्किल्स नहीं है उसके, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। और गुड टीचर जो है वो चाहे आपके सिस्टम में भी कुछ डिफेक्ट हो, उनको भी ओवरकम करके एक बच्चे का जो है फ्यूचर तैयार कर सकती है, और यूनिक क्वालिटी से जो है बच्चों का फ्यूचर कंस्ट्रक्ट कर सकती है। तो इसीलिए टीचर को जो है गॉड का दर्जा दिया गया है, इवन गॉड से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। जैसे कबीर जी ने कहा है, कबीर जी हैज गिवन वेरी हाई स्टेटस टू अ टीचर, इवन हायर देन गॉड। तो क्वालिटीज क्या क्या होती हैं टीचर की वो हम पढ़ते हैं अब, किस लिए उन्हें नेशन बिल्डर कहा गया है। तो टीचर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए गुड टीचर की, तो क्वालिटीज ऑफ पर्सनैलिटी, सबसे पहले जो है पर्सनैलिटी टीचर की अच्छी होनी चाहिए। इसमें दो पर्सनैलिटीज आ जाती हैं, एक है एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, एक है इंटरनल। एक्सटर्नल से क्या मतलब है कि टीचर जो है वो इम्प्रेसिव लगनी चाहिए, अट्रैक्टिव लगनी चाहिए, मतलब एक गुड हेल्दी ह्यूमन बींग लगनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचर जो है उसी में जो है न्यूट्रिशियस की कमी लगे या वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्दी ना हो, तो ऐसे नहीं होनी चाहिए। टीचर जो है वो हेल्दी होनी चाहिए। टीचर की स्पीच जो है वो स्वीटनेस एंड अथॉरिटेटिव दोनों टाइप की होनी चाहिए, कि बच्चे डिसिप्लिन में भी रहे, लेकिन जहां टीचर को पेशेंस लेवल दिखाना है, बच्चों को अच्छी तरह समझाना है, वहां वो उसकी आवाज में स्वीटनेस भी होनी चाहिए। टीचर का एक्सेंट जो है लाउड होना चाहिए ताकि हर बच्चे तक उनकी वॉइस पहुंच सके, और क्लियर होना चाहिए ताकि हर बच्चे को वो अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो ओवरऑल क्या है, उनकी पर्सनैलिटी जो है वो एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी की तरह वर्क करनी चाहिए, जो एक्सटर्नल पर्सनैलिटी है। देन आती है इंटरनल। इंटरनल में क्या है, उनकी थिंकिंग कैसी है, वो कैसा उनका मतलब सोचने का लेवल है, कैसे उनमें पेशेंस लेवल है, फ्रेंडली नेचर है कि नहीं, ये सारे आती हैं इंटरनल की भी, उनका मेंटल स्टेटस कैसा है। तो कुछ टीचर्स जो होती हैं वो गुड लुकिंग होती हैं, लेकिन उनका इंटरनल जो है माइंडसेट वो स्टेबल नहीं होता है। ऑन दी अपोजिट हैंड टीचर्स कुछ जो ऑर्डिनरी अपीयरेंस की होती हैं, उनका इंटरनल माइंडसेट जो है, उनकी क्वालिटीज इतनी हाई लेवल की होती हैं कि भी उनमें पेशेंस लेवल भी होता है, स्टेबल होती है, इमोशनली मेंटली स्टेबल होती है, और बच्चों को बहुत ही फ्रेंडली नेचर से समझाती हैं। तो इसमें कुछ क्वालिटीज आती हैं जो कि इंटरनल क्वालिटीज देखते हैं, जिसमें टीचर की मेंटल हेल्थ, कि भाई टीचर कितनी स्टेबल है, कितनी इमोशनली स्टेबल है, कैसा एटीट्यूड है उनका लाइफ के प्रति, कैसी वो बच्चों को शिक्षा देती हैं। तो लाइफ स्किल्स होने टीचर में बहुत जरूरी है। पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल, कि भाई कई बार क्या होता है, टीचर पढ़ा रही होती है, बीच में बच्चे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, तो कई टीचर्स को गुस्सा आ जाता है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। एक कंट्रोल होना चाहिए सिचुएशन के ऊपर, तभी वो अपने टास्क को कंप्लीट कर पाएंगी, तभी बच्चों को वो समझा पाएंगी। फ्रेंडली एंड सिंपैथेटिक बिहेवियर होना चाहिए, टीचर का हमेशा जो है फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, ताकि बच्चों की वो चीजों को, प्रॉब्लम्स को समझे, और उन डिफिकल्टीज को वो दूर करे, समझ के दूर करे उन चीजों को। ह्यूमर एंड विट आता है। ह्यूमर एंड विट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, उसने एकदम से कोई जोक क्रैक किया, तो आप कहेंगे उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, मतलब कि मजाक वे में, अच्छे वे में, जो कि बोर ना हो बंदा, इस तरह को कहा जाता है सेंस ऑफ ह्यूमर। एंड विट मींस कि वो नॉलेजेबल भी हो, और मतलब उनको ज्ञान भी है उस चीज का, और वो इंटरेस्टिंग वे में उस चीज को आपको कन्वे भी कर रहे हैं, मतलब नो टॉपिक इज डल और ब्रिंग
अब विद विट एंड ह्यूमर हर डिफिकल्ट टॉपिक को भी जो है इंटरेस्टिंग और इजी वे में टीचर समझा सकती है, वो उनके ह्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है। ऑनेस्टी एंड सीरियसनेस, टीचर की वर्किंग जो है वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए ऑनेस्टी और सीरियसनेस को, क्योंकि बच्चे जो है वो वही करते हैं जैसे उनकी टीचर करती है, वो टीचर को इमिटेट करते हैं, तो टीचर जैसे करेंगी वैसी ही क्वालिटीज बच्चों में भी आएंगी, तो इसलिए टीचर को ऑनेस्टी एंड सीरियसनेस दिखानी चाहिए अपने काम के प्रति। टीचर का जो है वो डेमोक्रेटिक एंड वाइडर लुक आउटलुक होना चाहिए और उसे कोऑपरेटिव होना चाहिए, पेशेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, उनको जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब बच्चे कभी भी फ्री होकर उनसे बात पूछ सके, डिफिकल्टीज अपनी शेयर कर सके कि मुझे समझ नहीं आया आप समझा दीजिए, मतलब ऐसे डर का माहौल क्लास में नहीं होना चाहिए। देन है क्वालिटी पर्टेनिंग टू प्रोफेशन, अभी था पर्सनैलिटी की क्वालिटीज, देन है पर्टेनिंग टू प्रोफेशन वाइड नॉलेज ऑफ ए सब्जेक्ट, अब जिस सब्जेक्ट की वो टीचर है मान लीजिए साइंस की टीचर है वो, तो अपने सब्जेक्ट की उन्हें नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, कोई भी उन्हें बीट ना करे इस तरह की नॉलेज होनी चाहिए। आ गया है ट्रेनिंग, टीचर इज एन आर्ट एंड अ साइंस टू, विदाउट ट्रेनिंग कोई भी एक्सपर्ट नहीं बन सकता। टीचर को क्या चाहिए कि अपने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को समझे, उनको अंडरस्टैंड करे और अपने आप में बदलाव लाए, अपनी स्ट्रेटेजीज में बदलाव लाए, कुछ और इंप्रूवमेंट लाए, तो इस तरह से टीचर को लगातार ट्रेनिंग लेनी चाहिए और अपनी एक्टिव टीचिंग देखनी चाहिए कि मेरे में कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत तो नहीं है, इस चीज को इवेल्युएट करें और उस चीज को इंप्लीमेंट करें फिर। देन है कंटीन्यूअस एफर्ट एंड इंटरेस्ट इन रीडिंग, देखिए टीचिंग जो होता है वो एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, टीचर को अपने इस प्रोफेशन के साथ हमेशा जस्टिस करनी चाहिए, वो कंटीन्यूअसली अपने आप को इंप्रूव करती रहे अपनी क्वालिटी के वे में, जैसे मैंने ऊपर वाले में बताया इवेल्युएट करती रहे और उस चीज को जो है दोबारा से और ज्यादा अच्छी तरह इंप्लीमेंट करें और अच्छी तरह से उस चीज में क्वालिटी लेके आए, तो मतलब इसलिए टीचर को कंटीन्यूअसली ट्राई करना चाहिए कि वो नॉलेजेबल और इंटरेस्टेड रहे, कि भाई जो कई नई बुक्स आ रही है कोई रिसर्च पेपर आया है तो उस चीज को रीड करते हुए रहना चाहिए ताकि अप टू डेट भी रहे टीचर। ओरिजिनलिटी, टीचर को हमेशा ओरिजिनल वे में बात करनी चाहिए, कोई भी चीजें इधर उधर की बातें नहीं बतानी चाहिए उन्हें, ओरिजिनलिटी में बिलीव रखना चाहिए टीचर को। मैनेजमेंट एंड गाइडेंस एबिलिटी, टीचर जो होती है वो बच्चों के लिए जो है एक गाइड का काम करती है, एक फ्रेंड का काम करती है, फिलोसफर का काम करती है। टीचर सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ाने के लिए नहीं होती, वो प्रॉपर डायरेक्शन भी दिखाती है बच्चों को कि आपका ये चीज राइट है ये चीज रॉन्ग है, जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों की स्किल्स भी डेवलप करती है टीचर कि ये चीज अच्छी होती है ये चीज बुरी होती है। टीचर बुरी चीज करने पर पनिशमेंट भी दे बच्चों को लेकिन अच्छी चीज करने पर रिवॉर्ड्स भी दे ताकि बच्चे जो है उस चीज को सीखे कि मेरी टीचर इन चीज से खुश होती है तो इसका मतलब ये चीज अच्छी है। टीचर हमेशा रिसोर्सफुल रहनी चाहिए, मतलब इतनी ऑर्गेनाइज हो टीचर कि बच्चा कभी भी जाके अपनी कोई प्रॉब्लम पूछता है तो टीचर उसे रिसोर्स बताए, टीचर उसे तरीका बताए कि वो किस इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकता है या इस चीज को कैसे और बेहतरी से लर्न कर सकता है। गुड रिलेशन विद अदर्स, टीचर को कभी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहना चाहिए क्योंकि इसका असर उनके स्टूडेंट्स में पड़ता है सीधा। टीचर को अपने स्टाफ से, अपने स्टूडेंट से, हर किसी से, अपने कलीग से, अपने जूनियर सीनियर हर लेवल के पर्सन से जो है वो गुड रिलेशन में रहना चाहिए, अच्छी तरह बात करनी चाहिए। फेथ इन वन्स ओन वर्क, टीचर को अपने ऊपर फेथ होना चाहिए कि भाई मैं जो पढ़ा रही हूँ वो बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ। अगर टीचर को अपनी ही चीज पे फेथ नहीं होगा कि मेरे टीचिंग लेवल्स अच्छे हैं या मेरे टीचिंग लेसन अच्छे हैं तो फिर वो एफिशिएंट नहीं हो सकती है, इसलिए टीचर को अपने ऊपर फेथ होना चाहिए, तो इसीलिए टीचर को एक नेशन बिल्डर कहा गया है। इंक्लूसिव स्कूल्स होते क्या है, सबसे पहले देखिए जब जहां पर नॉर्मल बच्चे और स्पेशल बच्चे जो है एक ही स्कूल में पढ़ते हैं उसे कहा जाता है इंक्लूसिव स्कूल, मतलब स्पेशल बच्चों के लिए कोई स्पेशल स्कूल अलग से नहीं है, एक ही स्कूल के अंदर उनको नॉर्मल स्कूल के अंदर ही पढ़ाई करवा रहे हैं तो उसे कहा जाता है इंक्लूसिव स्कूल। इंक्लूसिव स्कूल्स का क्या फायदा है कि सब स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट डिसेबिलिटी के साथ है, नॉर्मल स्टूडेंट है, सबको जो है एक लर्निंग एनवायरनमेंट और अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं ताकि सब जो है अपना गोल अचीव कर सकें। इंक्लूसिव स्कूल्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए उन स्कूल के, तो सबसे पहले आ जाता है कि एडिक्वेट सपोर्ट एंड सर्विसेज दी जानी चाहिए स्टूडेंट्स को, वेल डिजाइंड उनके इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम होने चाहिए। इंडिविजुअल इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि मान लीजिए हर बच्चे की डिसेबिलिटी अलग होती है, अगर कोई एक प्रोग्राम बना दिया गया स्पेसिफिक प्रोग्राम कि वो सबको फॉलो करना है तो ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि हर किसी की एड अलग है, हर किसी की नीड अलग है। अब जैसे विजुअली इंपेयर्ड बच्चा है उसको क्या है दिखाई कम दे रहा है तो उसको मतलब ज्यादातर वो सुन के सीखेगा चीजों को या फिर उसकी बुक्स जो होंगी वो थोड़े से बोल्ड अक्षरों में प्रिंट होंगी, लेकिन हियरिंग इंपेयर्ड बच्चे के लिए तो ये चीजें यूजलेस है क्योंकि उसको सुनने में दिक्कत है, वो सुन के कैसे सीख सकता है, उसको जो है वो देख के सीखेगा चीजों को, मतलब जैसे कि लिप रीडिंग करके और विजुअल्स देख के उन चीजों से सीखेगा। तो हर बच्चे की नीड अलग अलग है तो इंडिविजुअल के हिसाब से जो है वो नीड को वहां प्रोग्राम सेट किए जाए, ऐसा ना हो कि फिट फॉर ऑल वाला प्रोग्राम वहां कर दिया जाए तो कई बच्चे उसमें फेवर ले पाएंगे और कई जो है वो नहीं कर पाएंगे। टीचर जो है ट्रेन टीचर होनी चाहिए वहां पर,
टीचर्स को अपना लेसन प्लान जो है वो प्रॉपर तरीके से पहले ही बना लेना चाहिए, जो भी टीचर्स उसमें इवॉल्व होती है, जैसे कि अब एक स्पेशल टीचर है, एक नॉर्मल टीचर है, एक सब्जेक्ट टीचर है, उन टीचर्स को मिलकर जो है अपना प्रोग्राम बनाना चाहिए और हर चीज जो है वो पेरेंट्स के साथ कोलैबोरेट करके, टीचर्स को आपस में कोलैबोरेट करके, बच्चों को आपस में लेकर चलना चाहिए, तभी बच्चे जो है मोटिवेट हो सकते हैं और उनकी लर्निंग बेहतर हो सकती है। पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबिलिटी, टीचर्स का जो है पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स इंक्लूजन, कि भाई उसको कोई दिक्कत ना हो कि भाई अगर जिसमें नॉर्मल बच्चे भी पढ़ रहे हैं और कोई डिसेबल बच्चे भी पढ़ रहे हैं, वो उनकी नीड के हिसाब से उनको काम कराए, ऐसे ना हो कि डिसेबल बच्चे जो है वो नेग्लेक्ट हो जाए टीचर की तरफ से, कि भाई नॉर्मल बच्चे जो है उनकी स्पीड पकड़ पा रहे हैं, उनकी स्पीड में काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर्स को जो है उन बच्चों को भी साथ लेके चलना है, उनकी डिसेबिलिटी है उस चीज को समझे टीचर, उनको भी पॉजिटिव साइंस दे कि भाई आप कर सकते हैं ये चीज, उनसे वन ऑन वन इंटरेक्शन करे टीचर, ताकि उनको भी ये फील ना हो कि भाई मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा या मैं किस चीज में इंफीरियर हूं, टीचर जो है मेरे लिए वेट नहीं कर रही है किस चीज में। तो टीचर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे उन बच्चों को जिनको लिखने में दिक्कत आ रही है, थोड़ा समझाने में एक्स्ट्रा टाइम दे उन्हें, ताकि उनको अच्छे से चीजें समझ आए। तो टीचर ही एक जो है वो अपना पॉजिटिव एटमोस्फेयर बना सकती है क्लास, तो इससे ही बच्चे को जो हेल्प मिलती है सेल्फ एस्टीम की और सेल्फ कॉन्फिडेंस की, जब भी मिलती है जब टीचर उनका साथ देगी हर चीज में। देन उसके बाद आता है कि रोल ऑफ रिसोर्स टीचर का और सब्जेक्ट टीचर का क्या रोल होता है इंक्लूसिव क्लासरूम में। सबसे पहले आ जाती है रिसोर्स टीचर। देखिए रिसोर्स टीचर को यहाँ पर स्पेशल टीचर भी कह सकते हैं आप, वो टीचर जो कि आपको बताएंगी उनकी उनकी कमियों के बारे में, बच्चों की डिसेबिलिटी के बारे में, कि उनको किस चीज में दिक्कत आ रही है। अब जो नॉर्मल टीचर है रेगुलर क्लासरूम में आती है, उनका काम है कि वो लेसन प्लान करके आए अपना, वो आके पढ़ाएंगी, तो उनको जो है जो रिसोर्स टीचर है उनसे पता कि भी वो एक क्लास टीचर को बताएंगी कि भाई इनमें ये बच्चों में दिक्कत है, ये बच्चे थोड़े से स्लो लर्नर हैं, ये बच्चे थोड़े राइटिंग में स्लो हैं, इन बच्चों को आप इस तरह से एड देंगे तो इनको ज्यादा समझ आएगा, इनको प्रैक्टिकली दिखाएंगे ज्यादा अच्छा समझ आएगा, इनको कलरफुल दिखाएंगी तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। मतलब जो है वो उनको डायग्नोज करेंगी बच्चों को, डायग्नोज करके बाद उनको रिमीडियल एक्शंस देंगी, उनके टीचर को बताएंगी कि आपको ये रिमेडीज आप ले सकते हैं। तो हर तरह की इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेंगी, वो जो है क्लास सब्जेक्ट टीचर से जो है उनको उनकी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज मॉडिफिकेशन जो भी लाना है उनको अपने प्रोग्राम में, अपने प्लानिंग में, अपने लेसन प्लान्स में, वो उनको बताएंगी कि आप इस तरह से जो है बच्चों को सिखा सकते हैं, उनकी लर्निंग बेहतर बना सकते हैं। असिस्ट करेंगी कि भी वो आइडेंटिफाई करवाने में, अब जैसे सब्जेक्ट टीचर है उनको इतनी अच्छी तरह से नहीं पता लगेगा जितनी कि एक स्पेशल एजुकेटर है, वो उनकी नीड्स जानती है, वो उन्होंने वही पढ़ाई की हुई है, उसी में स्पेशलाइजेशन की हुई है, तो वो टीचर को बताएंगी कि भाई हाँ इस चीज को ऐसे असिस्ट किया जा सकता है, इस वाले को ऐसे असिस्ट किया जा सकता है, तो वो उनको जो है हेल्प करेंगे इस चीज में। और कोई भी उनके लिए अल्टरनेट प्रोग्राम बनाना है, कोई कोर्स या करिकुलम में कुछ चेंज करना है, जैसे कि जिससे कि कोलैबोरेटिव लर्निंग हो सके बच्चों की, सारे बच्चे जो है वो सीख सके, तो उस तरह का कोर्स वो टीचर को जो है बताएंगी, सजेस्ट करेंगी। वो जो है मॉनिटर करेंगी कि बच्चे जो है इंक्लूसिव क्लासरूम में कैसे पढ़ रहे हैं, उनको किस किस चीज की जरूरत पड़ रही है, क्या क्या एड्स की जरूरत पड़ रही है, किसी बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, क्या डिफिकल्टीज हो रही है उन्हें, वो सारी चीजें डायग्नोज करने का काम है आपकी रिसोर्स टीचर का। तो रिसोर्स टीचर का मेन काम क्या है, वो कोलैबोरेटिव में लर्निंग करवाएंगी बच्चों को, मतलब सब्जेक्ट टीचर के साथ मिलकर, क्योंकि सब्जेक्ट टीचर लेसन प्लान अच्छी तरह जानती है एकेडमिक का जो उन्हें कवर करवाना है, तो एक रिसोर्स टीचर जो है वो उनकी हेल्प करेगी इस चीज में, ताकि बच्चे जो है उसको इजिली लर्न कर पाए, वो उनको इंक्लूजन के लिए कि भी इंक्लूजन किस लिए हुआ है आपका इस क्लास में और इंक्लूजन को सक्सेस कैसे बना सकते हैं, वो रिसोर्स टीचर के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि रिसोर्स टीचर ही जो है वो उनकी नीड्स को पता कर सकती है, उन बच्चों की नीड्स को, कि उन बच्चों को क्या नीड है, आइडेंटिफाई करेंगी कि उनकी डिसेबिलिटी किस हद तक है, कितनी परसेंट है और क्या चीज की उन्हें नीड पड़ती है, वो बच्चा पढ़ सकता है कि नहीं इंक्लूसिव क्लासरूम में, वो सब आपको जो है रिसोर्स टीचर ही बताएगी। और रिसोर्स टीचर जो है वो पहले मॉनिटर करेगी बच्चों को, फिर डॉक्यूमेंटेशन करेगी उनका कि भाई इनको अल्टरनेट प्रोग्राम दिए जाए, कोर्स दिए जाए, करिकुलम इनका चेंज किया जाए, तो जिससे कि बच्चे जो हैं मोटिवेट होंगे और उनकी लर्निंग और भी बेहतर बनेगी। रिसोर्स टीचर जो हैं वो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग करवाएंगे, को टीचर के साथ अपने काम करेंगी, मतलब वहां पे सब्जेक्ट टीचर भी होंगी और रिसोर्स टीचर भी होंगी, तो कैसे काम करते हैं, देखिए आपकी जो सब्जेक्ट टीचर होती है वो आपको सब्जेक्ट की लर्निंग करवा रही होती है, तो उसी वक्त जो रिसोर्स टीचर होती है वो ऑब्जर्व करती है, जो बच्चे डिसेबल बच्चे हैं उनको ऑब्जर्व करती है कि वो कहां देख रहा है, उसका इंटरेस्ट बन रहा है या नहीं, वो इस टीचिंग मेथड से पढ़ पा रहा है या नहीं, तो वो चीजें सारी ऑब्जर्व करके वो डॉक्यूमेंटेशन करती है उसका कि इस बच्चे में ये दिक्कत थी, इस बच्चे में ये दिक्कत थी, तो उनकी नीड के हिसाब से फिर उस चीज को चेंज किया जाता है। और वो जो है वो पीटीएम में भी, जैसे पीटीएम करवाई जाती है तो उसमें सिर्फ सब्जेक्ट टीचर या क्लास टीचर नहीं बैठती है, रिसोर्स टीचर जो होती है वो भी बैठती है, ताकि वो पेरेंट्स से वन ऑन वन इंटरेक्शन कर सके और उनके बच्चे के बारे में जो है इंप्रूवमेंट कैसे हो रही है और कैसे हो सकती है वो सब उनको जो है बताए, और ताकि उसमें पेरेंट्स भी जो है अपने बच्चे को मोटिवेट करें और उनको भी पता लगे कि उनका बच्चा जो है किस तरह से लर्निंग बेहतर कर रहा है।
देन है रोल ऑफ क्लासरूम और सब्जेक्ट टीचर. सब्जेक्ट टीचर जो हमारी मेन टीचर होती हैं, जो कि सब सब क्लासेस में प्रेजेंट होती हैं, तो वो होती है सब्जेक्ट टीचर. सब्जेक्ट टीचर का क्या काम होता है, वो इन्फॉर्मेशन देती हैं आपको कि जैसे मतलब मान लीजिए जो रिसोर्स टीचर है, स्पेशल एजुकेटर है, वो उनको इन्फॉर्मेशन देगी कि मैंने क्लास में ये इंटरेक्शन किया था, ये चीजें की थी और ये बच्चा मुझे नहीं सुना रहा है या ये बच्चा इस तरह से बिहेव कर रहा है. जो भी चीजें हैं वो उन्हें बताएंगी. क्या क्या बताएंगी वो उन्हें, वो उनकी जो भी अकेडमिक का है वो बताएंगी, वो उनको बिहेवियर इशू का बारे में बताएंगी कि भाई बिहेवियर इशू हो रहे हैं बच्चे में, तो वो नोट करेंगे और उस चीज को ठीक करवाएंगे काउंसलिंग के द्वारा. तो जैसे रिसोर्स टीचर थी वो क्या आइडेंटिफाई करती थी, वो आइडेंटिफाई करती थी कि बच्चे में क्या कमी आ रही है, बच्चे किस तरह से चीज को वो करना चाह रहे हैं, लर्न करना चाह रहे हैं, तो इसलिए वो करिकुलम में या कोई भी प्रोग्राम जो है अल्टरनेट प्रोग्राम्स देती थी. और यहां पे जो है टीचर देखती है, टीचर उनको जो अभी चल रहा है, जो करिकुलम है उनका प्रेजेंट, उसका असेसमेंट लेती है, उसमें इवेल्युएट करती है कि वो बच्चे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो रिसोर्स टीचर की उसमें हेल्प लेती है. तो मेन काम क्या होता है जो सब्जेक्ट टीचर होती है, कि वो लेसन प्लान बनाएंगी और आकर जो है बच्चों को नरेट करेंगी, बच्चों को बताएंगी ताकि वो लर्निंग कर सके. दूसरा काम है उनका, वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएंगे अपने क्लासरूम का, कि भाई पीयर ग्रुप के साथ सोशल इंटरेक्शन करवाएंगी, गेम्स की एक्टिविटी करवाएंगी उनको, कि भाई लर्निंग अगर बच्चों को नहीं हो रही है तो उनको रिकॉल करवाएंगी चीजें. जैसे पिछले दिन उन्होंने कुछ करवाया तो नेक्स्ट डे आके वही चीज एक बार रिवाइज करवा दी पूरी क्लास में, तो उससे बच्चों को जो है वो और अच्छी तरह से समझ आएगा. तो इस तरह से वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएंगी, नॉइस फ्री एनवायरनमेंट बनाएंगी, ताकि जो भी बच्चे डिसेबल बच्चे हैं उनको जो है प्रॉब्लम ना हो. उनके लिए जो है वन ओ वन इंटरेक्शन करेगी वो टीचर, सो दैट की जैसे रिसोर्स टीचर वन ओ वन इंटरेक्शन करती है, ऐसे ही आपकी जो सब्जेक्ट टीचर होगी वो वन ओ वन इंटरेक्शन करेगी बच्चों से, ताकि उनसे प्रॉब्लम्स पूछेंगी, ताकि वो बच्चे जो है हिचकिचाए नहीं टीचर से, अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्विज उन्हें पूछनी है, कुछ चीज समझ नहीं है तो वो पूछ सकें, उनको इन्फीरियरिटी ना लगे कि मेरे में कुछ डिसेबिलिटी है और टीचर को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं इतने क्वेश्चन राइज करता हूं. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, टीचर उनको बिल्कुल फ्रेंडली माहौल दे ताकि बच्चे जो है उसमें फ्रीली अपने क्वेश्चन पूछ सके, फ्रीली जो है वो अपनी बात रख सके टीचर के सामने. तो इस तरह से वो मॉनिटर करती है सब बच्चों का बिहेवियर और हर चीज का उन्हें फिर प्रॉपर तरीके से रिसोर्स टीचर के साथ मिलके जो है उस चीज को ठीक किया जाता है, काउंसलिंग के द्वारा ठीक किया जाता है. तो जो पॉइंट रिसोर्स टीचर में था वो पॉइंट यहां पर भी है, कि वो दोनों को टीचर बनके मतलब कि कोलैबोरेटिव लर्निंग करवाएंगी, बच्चों को मिलके लर्निंग करवाएंगी, कि सब्जेक्ट टीचर जो है वो अपना लेसन प्लान आगे करवाएंगी और जो रिसोर्स टीचर हैं वो उनकी देखेंगे कि उन्हें क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं या किस चीज में वो पीछे हैं नॉर्मल बच्चों से, तो वो चीज वो नोट डाउन करेंगे. और इसी तरह से वो पेरेंट टीचर मीटिंग में दोनों मिलकर एक ज्वाइंट मीटिंग करेंगे, जिससे कि वो बच्चे की लर्निंग और भी बेहतर बना सकते हैं. अब कॉमन ज्वाइंट रोल्स क्या होते हैं रिसोर्स टीचर के और क्लासरूम टीचर के, तो सबसे पहला इसमें आ जाता है कि ज्वाइंट डिसीजन होगा उन दोनों का कि कौन सी अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल एनवायरनमेंट इनके लिए बनाया जाए, ताकि इनके लिए कौन सा कोर्स, कौन सा करिकुलम फॉलो किया जाए कि ये जो है अच्छी तरह से उस चीज को समझ पाए. तो दोनों ज्वाइंट में ये काम करेंगे, दोनों ज्वाइंट में ये काम करेंगे कि इनकी डेवलपमेंट कैसे हो सके, हम इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं इस चीज को, जो भी हमारे कोर्स थे, इन बच्चों को एड्स कैसे प्रोवाइड करनी है, वो सब चीजें दोनों टीचर मिलकर करेंगी. बिहेवियर मैनेजमेंट दोनों टीचर मिलकर करेंगी, जैसे सब्जेक्ट टीचर बताएगी दूसरी टीचर को कि भाई इनको बिहेवियर का इशू आता है, ये जो है जल्दी एंग्री हो जाते हैं या ये सुपर एक्टिव चाइल्ड है, तो फिर दूसरी टीचर जो है वो देखेंगी कि क्या रिमेडियल एक्शन हम ले सकते हैं इस चीज के ऊपर. देन है दोनों जो है आइडेंटिफाई करेंगी को टीचिंग अपॉर्चुनिटीज को, कि किस तरह से एक क्लास को सपोर्टिव एनवायरनमेंट देके जो है उस क्लास की लर्निंग को बेहतर बनाया जा सकता है. और वो दोनों टीचर मिलके जो है वो प्रिपेयर करेंगी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, मतलब कि एक एक बच्चे के लिए, इंडिविजुअल मतलब वन पर्सन, एक एक बच्चे के लिए कैसे प्लान बनाया जा सकता है कि हम कोलैबोरेटिव लर्निंग करवाएं एक एक सिंगल बच्चे की नीड को जानकर. देन है कि वो उन्हें डिवाइड कर सकती हैं लार्ज ग्रुप में, स्मॉल ग्रुप में, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस दे सकती हैं बच्चों को. जितने टीचर इंस्ट्रक्शन वन ओ वन देगी बच्चों को, उतने ही जो हैं वो बच्चे जो हैं टीचर के साथ बहुत ही ईज में रहेंगे, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनवायरमेंट में रहेंगे, उन बच्चों को भी अच्छा लगेगा, स्कूल आने का मन करेगा. तो इसलिए टीचर को इंटरेक्शन बच्चों के साथ जरूर करना चाहिए. ये टीचर जो है कोऑर्डिनेट करेंगे आपस में इंप्लीमेंटेशन ऑफ असेसमेंट कैसे लेने हैं, इवेल्युएशन कैसे करना है उनका, कि भाई किस तरह के टेस्ट होने चाहिए, कितना टाइम दिया जाना चाहिए, कैसे हम मॉनिटर करेंगे, कितने मार्क्स इनके होने चाहिए जिससे हमें पता लगे कि ये बच्चा पास है फेल है. तो इस तरह की चीजें सारी वो दोनों कोलैबोरेशन में करेंगी, जैसे कि रिसोर्स टीचर सब्जेक्ट टीचर को बताएगी. सब्जेक्ट टीचर ने बता दिया कि मैंने ऐसा क्वेश्चन पेपर सेट किया, ये सब बच्चों को आना चाहिए, इजी है. तो अब रिसोर्स टीचर बताएगी कि ये जो आपने रिटर्न के क्वेश्चन दिए हैं वो रिटर्न में प्रॉब्लम है, उन बच्चों को वो नहीं लिख सकते हैं. ऑर्थोपेडिकल इंपेयर बच्चे हैं वो नहीं लिख सकते हैं, उनका हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से वर्क नहीं करता है, तो उनसे आप ओरली सुन के देख लीजिए. तो इस तरह से वो आपस में मिलकर जो है इवेल्युएट करेंगे और उनको जो है मतलब प्रॉपर गोल अचीव करने में हेल्प करेंगे.
जनरल टीचर पढ़ ली है, रिसोर्स टीचर पढ़ ली है, उनके बारे में उनके रोल क्या क्या हैं। अब हम देखेंगे टीचिंग एंड को टीचिंग पर्सनल में रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्टिकुलरली रेगुलर टीचर की और स्पेशल टीचर की, रिसोर्स टीचर की विद जो डिसेबल चिल्ड्रन है उनके साथ क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाते हैं। देखिए इंक्लूसिव क्लासरूम जो होता है उसका मतलब होता है कि वहां पर सब बच्चों को इंक्लूड करके पढ़ाया जा रहा है। हर बच्चा जो है वहां पर उसकी लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए टीचर जो है उनकी नीड्स को फुलफिल करती है और उसकी हेल्प करती है उस चीज में। इस तरह का एनवायरमेंट उन्हें दिया जाता है कि वो फिजिकली इमोशनली हर चीज में जो है वो ग्रो कर सके और उनकी नीड्स को फुलफिल किया जा सके। तो एक जर्नल जो टीचर होती है, जो सब्जेक्ट टीचर है आपकी, उसको इतनी स्पेशलिटी नहीं पता है कि पर्टिकुलर डिसेबल बच्चे में किस किस चीज की नीड है, वो इसको कोलैबोरेशन में विद को टीचिंग कर सकती है। जैसे रिसोर्स टीचर जो है स्पेशल नीड्स उनको पता होंगी बच्चों की, वो मॉनिटर कर सकती है कि बच्चे जो है किस टाइप का बिहेव कर रहे हैं, इनके बिहेवियर में कुछ चेंज आ रहा है क्या, देख सकते हैं कि इसमें पॉजिटिव चेंज आ रहा है बच्चे में या नहीं आ रहा है, हम इस तरह से करिकुलम को चेंज कर रहे हैं या इनकी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं तो उसके बाद कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है कि नहीं, वो आपको स्पेशल टीचर जो है वो अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगी। अब नॉर्मल टीचर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि फर्स्ट है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड। ये एक पॉइंट जो है वो कॉमन रहेगा जो हियरिंग इम्पेयर्ड में भी है, विजुअल इम्पेयर्ड में भी है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप में, सेरिब्रल प्लेसी में, हर तरह के चिल्ड्रन में टीचर जो रेगुलर टीचर है वो ये पॉइंट एक रखेंगी कॉमन कि भाई आप जो है नॉन डिसेबल जो स्टूडेंट है वो अंडरस्टैंड करें, जो भी दूसरा बच्चा है जिसको कोई भी डिसेबिलिटी है, चाहे हियरिंग इम्पेयरमेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, उनको अंडरस्टैंड करे, उनको देखे कि भाई उनको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उनकी हेल्प कर सकता है वो बच्चा, उनको मोटिवेट कर सकता है। इस तरह से कोऑपरेटिव लर्निंग करवाएगी वो टीचर, रेगुलर टीचर चाहेगी कि मेरे जो क्लास का एनवायरमेंट है वो पॉजिटिव हो और वो एनकरेज करेगी जो डिसेबल स्टूडेंट है उनको एनकरेज करेंगी कि भाई आप हर चीज में पार्टिसिपेट करें, चाहे एकेडमिक क्विज है, चाहे आपकी कोई को करिकुलर एक्टिविटीज है, हर चीज में पार्टिसिपेशन के लिए उनको जो है मोटिवेट करेंगी। ये भी आप, ये दो पॉइंट आप सब में कॉमन लिख सकते हैं। देन है थर्ड पॉइंट कि टीचर जो है कुछ भी अगर पढ़ा रही है तो उसे हैंड रिटन चौक बोर्ड पे अच्छी तरह से लिखेंगी, क्योंकि मान लीजिए उस बच्चे को सुनने में दिक्कत है तो वो देख के कम से कम उस चीज को पढ़ सकता है। शॉर्ट शॉर्ट स्टेटमेंट्स बोलेंगी टीचर और उसको थोड़ा लंबा टाइम लेंगी, स्लो वे में बोलेंगी ताकि बच्चा लिप रीडिंग से उस चीज को समझ सके। तो ये है हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए। देन है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलर टीचर फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। तो एक पॉइंट हर किसी में कॉमन ही रहेगा कि डिसेबल नॉन डिसेबल स्टूडेंट्स को टीचर बोलेगी कि आप अंडरस्टैंड करें डिसेबल स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम है, उनकी क्या नीड है, उनको मोटिवेट करें कि आप ये चीज अच्छी तरह से कर सकते हैं, अगर फिर भी उन्हें दिक्कत आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है तो आप उन्हें असिस्ट करें और आपसे नहीं हो रहा है तो आप टीचर को बताएं। तो ये चीज टीचर जो है हर किसी इंपेयरमेंट में बोलेगी। दूसरा है विजुअली इंपेयर्ड बच्चे को जो है मल्टी सेंसरी अप्रोच से टीचर पढ़ाएगी, जिससे कि बच्चा और अच्छी तरह से लर्न कर पाए। उन्हें ऑडियो एड्स देगी टीचर जिससे कि वो सुन के सीख पाए। टीचर कुछ भी अगर ब्लैक बोर्ड पे लिख रही है तो फिर वो बच्चों को टीचर जो है बोल बोल के बताएगी कि भाई ताकि वो सुन के तो उन स्पेलिंग्स को ठीक लिख सकें। मुश्किल वर्ड होंगे उनको भी जो है बोल के, लेटर को बोल बोल के बताएगी टीचर। और कोई भी चीज अगर कोई पार्शियली साइटेड बच्चा है जिसको कम दिखाई देता है तो उन बच्चों को फ्रंट डेस्क पे बिठाएगी। तो ऐसे नॉर्मल नॉर्मल चीज करने से भी उन बच्चों की डिफिकल्टीज जो है वो कम हो सकती है। देन है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप में टीचर क्या करेगी कि इन बच्चों की, देखिए इन बच्चों को कोई रिसोर्स टीचर की नीड नहीं है, ये बच्चे जो है इनका मेंटल लेवल बिल्कुल नॉर्मल बच्चों जैसा है, बस ये फिजिकली हैंडीकैप है, या तो इनके पैर में प्रॉब्लम है या हाथ में प्रॉब्लम है, तो इसलिए इनके लर्निंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। टीचर जो है उन बच्चों को मोटिवेट करेगी और उनको जो है कंफर्टेबल करेगी क्लास में कि भाई आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप टीचर की हेल्प ले सकते हैं, अपने पीयर की हेल्प ले सकते हैं, तो वो दूसरे बच्चे उनकी हेल्प करेंगे और टीचर उन्हें मोटिवेट करेगी कि आप क्लास एक्टिविटीज में जो है पार्टिसिपेट कीजिए, पीयर के साथ उनका पॉजिटिव इंटरेक्शन बनाएगी ताकि हर बच्चा जो है वो जो इंपेयर्ड बच्चा है फिजिकली है चाहे मेंटली है, ताकि वो इंटरेक्टिव क्लासरूम बन सके और बच्चे अपनी प्रॉब्लम जो है इजीली बता सके। मतलब फ्रीडम देगी टीचर उन्हें कि आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप टीचर को बता सकते हैं। देन है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर फॉर चिल्ड्रन विद सेरिब्रल प्लेसी। सेरिब्रल प्लेसी आपको पता है जब आपकी कोई भी मोटर न्यूरॉन जो होते हैं, मतलब ब्रेन का डिसऑर्डर है ये, मोटर न्यूरॉन प्रॉपर तरीके से सिग्नल नहीं पहुंचा पाते हैं, तो इसलिए जो है आपकी मसल कोऑर्डिनेशन में या इस तरह की कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो जाती है, जिससे कि आप प्रॉपर चाहकर जो है मूवमेंट नहीं कर पाते हैं अपनी। मतलब कभी हैंड की मूवमेंट आपकी ठीक से नहीं हो रही है, आपकी जो है लेग्स की मूवमेंट नहीं हो रही है, आप सीधे चल नहीं पा रहे हैं, तो ये सारे आते हैं आपके सेरिब्रल प्लेसी में। तो सेरिब्रल पैसे जिन बच्चों को होता है उनके लिए पूरा करिकुलम चेंज करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उस चीज को वो डिफरेंटली समझ पाते हैं, इसलिए उनको नीड पड़ती है हेल्प की। क्योंकि सेरिब्रल प्लेसे में, जैसे आपको पहले मैं बता चुकी हूँ कि सिटिंग प्रॉब्लम होती है बच्चे को, फिजिकल मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, खाना खाने में दिक्कत हो सकती है, स्पीच डिफिकल्टी हो सकती है, मतलब इसमें मल्टीपल डिसेबिलिटीज बच्चे को हो सकती है। तो इसमें क्या है, टीचर उनको इमोशनली सपोर्ट करेगी ताकि वो बच्चे जो है मोटिवेट रहे और क्लास में एडजस्ट हो सके। टीचर मोटिवेट करेगी नॉन डिसेबल्ड को, ये तो सब में कॉमन ही पॉइंट है। देन है
कॉन्टेक्ट विद रेलिवेंट प्रोफेशनल की भाई जो रिसोर्स टीचर और रेगुलर बेसिस पे उसके साथ कॉन्टेक्ट में रहेगी टीचर की भाई मान लीजिए इस बच्चे को मल्टीपल डिसेबिलिटी है, इससे बैठा नहीं जा रहा है, इससे लिखा नहीं जा रहा है, इससे बोला नहीं जा रहा है, तो वो उनकी हेल्प लेगी जो स्पेशलाइजेशन है जिनकी उस फील्ड में, उनसे हेल्प लेकर जो है फिर वो उनके स्टेप्स उठाएगी कि किस किस तरह से मैं इस बच्चे की हेल्प कर सकती हूँ। क्योंकि सेरिब्रल प्लेसी में क्या होता है, आपको एक सपोर्ट देना पड़ता है, क्योंकि बच्चा जैसे उसमें अच्छी तरह से बैठ नहीं पाता है, उसका कंट्रोल नहीं रहता है अपने ऊपर, तो वो गिर ना जाए कभी, तो इस तरह से एक एडल्ट सपोर्ट उस बच्चे के लिए आपको देना होता है। टीचर जो है उसे ऑडियो विजुअल एड से समझा सकती है, मतलब मल्टी सेंसरी एक्टिविटीज उनको करवा सकती है। ये बच्चे जो होते हैं ये थोड़े से वीक होते हैं, मतलब इनको जो है इतनी अच्छी तरह से लर्निंग होती नहीं है, स्लो लर्नर होते हैं, तो इसलिए इनको जो एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए वो इनको प्रोवाइड कर सकती है टीचर, ताकि जो और बच्चे उस टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं वो इन बच्चों की या तो हेल्प कर सके, या फिर उनको कोई और टास्क दे दिया जाए कि आप ये कंप्लीट कीजिए और इन बच्चों को टाइम दीजिए कि ये पर्टिकुलर अपना काम पूरा कर ले। देन है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर फॉर लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन। लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन में जो है वो सारे बच्चे आ जाते हैं जिनको मान लीजिए मैथमेटिक्स नहीं समझ आ रहा है, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो कहला रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब कि लर्निंग में दिक्कत है उनको, उनको चीजें समझ नहीं आ रही है, याद नहीं हो रही है, तो टीचर जो है उन्हें ज्यादा से ज्यादा काम देगी जो उनका प्रॉब्लमेटिक एरिया है। उन्हें रीडिंग में दिक्कत है तो रीडिंग की एक्सरसाइज देंगे कि आप पहले वन लाइन पढ़िए, फिर वन सेंटेंस पढ़िए, फिर वन पैराग्राफ पढ़िए, तो इस तरह से टीचर उन्हें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी अपने प्रॉब्लम से उभरने के लिए उनको मौका देंगी, ज्यादा से ज्यादा उस पर काम करेंगे टीचर। टीचर जो है एनकरेज करेंगी टू पार्टिसिपेट इन ऑल दी एक्टिविटीज, बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए टीचर उन्हें हर एक्टिविटी में इंक्लूड करने के लिए बात कहेंगी। पिक्टोरियल बुक से उनको सिखा सकती हैं टीचर, डिक्टेशन एक्सरसाइज से उनको सिखा सकते हैं, ताकि वो रीडिंग एंड राइटिंग पे इतना स्ट्रेस लेवल ना ले, उनकी मतलब वो उसे डेवलप कर सके कि भाई हाँ धीरे धीरे हम इसको सीख सकते हैं, अगर मुझे लिखना नहीं आ रहा है या मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे सेंटेंस बनाने आ जाएंगे, वर्ड्स जोड़ने आ जाएंगे और इस तरह से मैं रीडिंग कर सकता हूं। तो ये जो है और सब चीजें जो है वो कोऑर्डिनेशन में किसके साथ होंगी, रिसोर्स टीचर के साथ। देन है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर फॉर चिल्ड्रन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी। टीचर जो है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनको एनकरेज करेगी, उनका वेलकम करेगी क्लास में, ताकि वो बच्चे भी जो है एक सेफ्टी महसूस कर सके, उनको एक्स्ट्रा टाइम देगी किसी भी चीज के, कोई भी वर्क कंप्लीट करने के लिए, उनको जो है इमोशनल सपोर्ट देगी टीचर, और उसमें भी टीचर जो है रिसोर्स टीचर के साथ कोऑर्डिनेट करके या पेरेंट्स के साथ, क्योंकि पेरेंट्स और रिसोर्स टीचर जो है, पेरेंट्स जो है वो सारी हैबिट्स बता सकते हैं बच्चे की, तभी टीचर को उसके बारे में नॉलेज मिलेगी उस बच्चे के बारे में कि उसको कहां कहां प्रॉब्लम आ रही है। रिसोर्स टीचर जो होगी वो आकर जो है ऑब्जर्व कर सकती है कि उस बच्चे के कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, मतलब मान लीजिए रेगुलर टीचर को नहीं समझ आ रहा है प्रॉपर कि उसको इस एरिया में प्रॉब्लम है, इस एरिया में काम करती जा रही है, लेकिन मान लीजिए उसको प्रॉब्लम कुछ और है बच्चे को, वो नहीं कर रहा है कोप अप, तो वो रिसोर्स टीचर जो है वो फाइंड आउट करेगी और टीचर के साथ को टीचिंग में उनकी हेल्प करेगी कि भाई आपको किस तरह से इस बच्चे की नीड्स को फुलफिल करना है, किस तरह से आप इनको लर्निंग करवा सकते हैं। देन है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रिसोर्स टीचर। अब रिसोर्स टीचर की बात है, अभी तक हमने जनरल टीचर की बात करी जो कि रिसोर्स टीचर से हेल्प लेके अपनी क्लास में स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए रिसोर्स टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए नॉर्मल टीचर में जैसे आपने देखा था कि टीचर जो है वो स्लो स्लो लर्न करवाएंगी, सामने बोर्ड पे लिखेंगी बच्चों का, बच्चों को आगे बिठाएंगी, तो इस तरह से वो हेल्प करेंगी। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेप में आ गया है ही शुड यूज आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स टू करेक्ट दिस स्पीच। अब बच्चे जो सुनेंगे नहीं तो उनकी स्पीच कैसे अच्छी तरह से होगी, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा टीचर किस हिसाब से पढ़ा रही है, इस वर्ड को कैसे बोलते हैं, तो फिर उनको वो समझ में कैसे आएगा स्पीच कैसे करनी है, क्योंकि हियरिंग के साथ तो ये कनेक्टेड है कि जो आप सुनेंगे तभी तो आप बोल पाएंगे, तभी तो आप सीख पाएंगे, तो वो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स पे ध्यान देते हैं ताकि बच्चे की स्पीच क्लियर हो पाए। की मेन डिफिकल्टीज देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि उस बच्चे को कहां पे डेफिशिएंसी आ रही है, फिर उस चीज में वो उसकी लर्निंग को बेहतर बनाएंगे, उसको साइन लैंग्वेज सिखाएंगे और उसको सपोर्टिव डिवाइस भी देंगे यहां पर। तो ये काम है आपके रिसोर्स टीचर का। देन रिसोर्स टीचर का रोल आ गया है आपके विजुअली इंपेयर्ड में। विजुअली इंपेयर्ड बच्चे को जो है फ्लैश कार्ड की हेल्प से सिखाएगी टीचर, कोऑर्डिनेट करेगी उनके साथ कि भाई जैसे कि उनके रेगुलर टीचर से पूछेगी, स्टाफ से पूछेगी जो उनके साथ कनेक्टेड है, पेरेंट्स से पूछेगी, तो इस तरह से उनका फीडबैक लेगी प्रॉपर कि हाँ इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, इस चीज में अच्छा कर रहा है, ये इसकी वीकनेस है, तो वो सारा उसके बाद जो है उनकी डिफिकल्टी लेवल चेक करके फिर टीचर उस पर अपनी स्ट्रेटेजीज देगी और उसको उस हिसाब से एड्स प्रोवाइड करेगी। विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन करवाएंगी टीचर, पेपर शेप्स दिखाएंगी, जैसे 3D शेप दिखानी है या कोई भी चीज उन्हें पढ़ानी है तो क्ले मॉडलिंग के द्वारा समझाएंगी, ताकि अगर दिखाई कम दे रहा है तो वो छू के पता कर सके उसमें। फोल्डिंग पेपर की हेल्प से सिखाएंगी। ऐसे ही टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन करवाएंगी बच्चे से कि जैसे किसी चीज को टच करके आप कैसे बता सकते हो, मतलब अगर बच्चे को दिखाई कम दे रहा है तो वो कैसे बता सकता है ये रफ सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, यहां वॉटर है, तो वो चीजें टच करके उनको पता करवाएगी वो टीचर अपनी।
उनको जो है प्रॉपर इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस देंगी कि भाई हर बच्चे की अलग प्रॉब्लम होती है, उनकी नीड के हिसाब से रिसोर्स टीचर उनको जो है स्ट्रेटेजीज बताएंगे और उस तरह से इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपको ये चीज इस तरह से करनी है। तो ये काम होता है रिसोर्स टीचर का। तो मेन फर्क यही है, जनरल टीचर जो है वो जनरल एड्स पे काम करेगी जो कि कॉमन चीज है जो कि सबको पता होती है। रिसोर्स टीचर जो है वो स्पेसिफिकली उस चीज पे काम करेगी जो बच्चों की लैक है, जिस चीज में वो बेहतरी कर सकती है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई ही स्पेशल टीचिंग की हुई है, स्पेशल नीड वाले बच्चों की हुई है, तो इसलिए स्पेशल टीचर उनकी ज्यादा हेल्प कर सकती है। देन सीसीटीवी क्या होता है, ये सीसीटीवी यूज करेंगे। सीसीटीवी में क्या होता है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ पे दिखाया जाता है और फिर उसकी जो है स्क्रीन पे, जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है इसी तरह से स्क्रीन पे जो है वो जब यहाँ पे बच्चा करेगा उसे इस तरह से मूव करेगा तो वो स्क्रीन पे बोल्ड अक्षरों में दिखाई देगा, तो बच्चा इजिली एक्सेस कर पाएगा, इजिली उसे पढ़ पाएगा। लार्ज प्रिंटेड मटेरियल्स का यूज करेगी टीचर और रिमेडियल टीचिंग देगी टीचर्स जो स्लो लर्निंग वाले बच्चे हैं विजुअली इम्पेयर्ड में। रिमेडियल टीचिंग जो है वो स्पेशल टीचर हर बच्चे को देगी जो हर बच्चा इम्पेयर्ड है किसी ना किसी चीज में, उसके लर्निंग डिसेबिलिटी है, विजुअली इंपेयर्ड है, हियरिंग इंपेयर्ड है, उन बच्चों को रिमेडियल टीचिंग रिसोर्स टीचर ही देती है क्योंकि वो उनकी नीड्स को अच्छी तरह से समझती है। नेक्स्ट आ गया है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसोर्स टीचर फॉर लर्निंग डिसेबल्ड। इनको टीचर जो है मल्टी सेंसरी अप्रोच से पढ़ाएगी कि भाई उनको किसी भी वे से समझ आए, हर तरीके से टीचर समझा के देखेगी हर स्ट्रेटेजी से। इनको जो है इनिशिएट करेगी टीचर सेल्फ क्वेश्चनिंग टेक्निक्स ताकि वो स्टूडेंट्स जो हैं जब रीड करें तो उन्हें खुद समझ आने लगे, वो खुद से समझे, खुद से क्वेश्चंस करके खुद से समझे। गाइडेंस हर तरह की प्रोवाइड करेगी टीचर। देन उसके बाद है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान देगी, क्योंकि टीचर की एक्सपर्टीज ही इसमें है कि बच्चों की स्पेशल नीड क्या है, स्पेशल बच्चों की, तो इसलिए टीचर इंडिविजुअल बच्चे के ऊपर ध्यान देके उसके उसकी पर्टिकुलर क्या नीड है, उसको पर्टिकुलरली एजुकेशन में किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीजें उसकी फुलफिल करनी है, वो टीचर देगी, उसको देगी टीचर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। देन है उसके बाद टीचर जो है उनका नेचर ऐसा होगा ताकि बच्चे जो है पर्सनली ग्रो करें, पर्सनली जो है उनको हर सफिशिएंट वो नीड मिल पाए जो कि स्कूल का रिस्पॉन्सिबल है, स्कूल इंक्लूसिव क्लासरूम में, तो इंक्लूसिव क्लासरूम के हिसाब से टीचर उन्हें हर चीज प्रोवाइड करेगी। कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक यूज करेंगे टीचर। टीचर इस तरह का कंटेंट और मटेरियल यूज करेंगे जो बच्चों को इजिली एक्सेसिबल हो, बच्चों को अच्छी तरह से समझ आ जाए, क्योंकि पहले ही बच्चे जो है वो लर्निंग डिसेबल है, उनको कम समझ आता है, स्लो समझ आता है, तो मेंटल एबिलिटी कम है उनकी, तो अगर उन्हें कोई कॉम्प्लेक्स मटेरियल एकदम से दिखा दिया टीचर ने या एकदम से दे दिया, उन बच्चों को कुछ समझ नहीं आएगा, तो टीचर उन्हें इस तरह का कंटेंट या मटेरियल समझाएगी जो उनके लिए मोटिवेटिंग हो और नॉन कॉम्प्लेक्स हो नेचर में। हर तरह का रिकॉर्ड टीचर अपने पास रखेगी, जैसे कोई भी उनसे मीटिंग का रिकॉर्ड है, मेडिकल चेकअप्स का है एंड फॉलोअप्स का है, वो सारे रिकॉर्ड रिसोर्स टीचर अपने पास रखेंगी। वो उन बच्चों को मोटिवेट करेंगी कि वो एजुकेशनल गेम्स प्ले करें, एजुकेशनल गेम्स में उनका पार्टिसिपेशन करवाएंगी ताकि वो किसी भी वे से समझे, जैसे मल्टी सेंसरी होता है, किसी भी वे से बच्चा समझे उसको समझ आनी चाहिए चीज। अभी हम कर रहे हैं वेरियस को टीचिंग पर्सनल इन इंक्लूसिव एजुकेशन, या फिर को टीचिंग पर्सनल जो है उनका डायरेक्ट नेम लेके पूछा जा सकता है, जैसे प्रिंसिपल, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, काउंसलर, पेरेंट्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन, तो ये क्वेश्चन भी आपके आ सकता है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, जहां हर स्टूडेंट जो है एक ही क्लासरूम में पढ़ सके उसे कहा जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। यहां पर बच्चे की स्ट्रेंथ, वीकनेस कुछ भी नहीं देखा जाता है, हर बच्चा चाहे वो डिसेबल है, चाहे उसकी लर्निंग कैपेसिटी कम है, चाहे वो फिजिकली हैंडीकैप है, हर बच्चा एक कॉमन क्लासरूम में पढ़ सकता है, चाहे वो नॉर्मल है, चाहे वो डिसेबल है, तो उसे कहा जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब हर किसी को इंक्लूड करके चलती है ये एजुकेशन। देन को टीचिंग प्रोफेशनल कौन से होते हैं, जो है थेरेपिस्ट, स्कूल साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ये जो है ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं सपोर्ट करने में, जो डिसेबल बच्चे होते हैं जिनको स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है, कोई डिसेबिलिटी होती है, तो उनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनने के लिए, उनको एक असिस्टिव डिवाइस देने के लिए, असिस्टेंस देने के लिए, इन सबका रोल बहुत ही वाइटल है। सबसे फर्स्ट जो आते हैं वो है हमारे इंक्लूजन इज टू पार्टनर विद पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स को जो है इन्वॉल्व करके चले हर चीज में। अब क्या होता था ट्रेडिशनल स्कूल्स में, जब पेरेंट जो है अपने स्पेशल किड को स्कूल में लेके जाते थे एडमिशन के लिए, तो उनको नेगेटिव फीडबैक मिलता था, मतलब चिल्ड्रन को वहां से रिजेक्शन मिल जाती थी और उनको कह दिया जाता था कि आपके लिए स्पेशल स्कूल्स हैं, आप स्पेशल स्कूल में जाइए, यहां पर आपको एजुकेशन नहीं मिल सकती। लेकिन अब क्या है, जैसे जैसे हमारी एजुकेशनल पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, तो अब क्या है, अब आपको एडमिशन भी मिलता है और स्कूल स्टाफ आपसे कोऑपरेटिव बिहेव करता है, आपसे सब चीजें इन्फॉर्मेशन पहले बच्चे के बारे में लेता है कि बच्चे की नीड्स क्या है, बच्चे की हॉबीज क्या है, उसको किस तरह की डिसेबिलिटी है और बच्चा जो है उसके कहां कहां इंटरेस्ट है, किस तरह के उसके बिहेवियर है, ये सब चीजें पेरेंट्स से पहले इन्फॉर्मेशन लेता है स्कूल, और फिर उसके बाद पेरेंट्स को हर चीज में इन्वॉल्व करता है और बच्चे को एडमिशन उसके अकॉर्डिंग क्लास में दे देता है, और पेरेंट्स को हर चीज में इन्वॉल्व किया जाता है, चाहे बच्चे कोई एक्टिविटी हो रही है, मतलब एक पार्ट बना दिया जाता है स्कूल का, उस सिस्टम का, जिसमें पेरेंट्स को भी यह पता लगे कि मेरे बच्चे को कैसा एनवायरमेंट मिल रहा है और किस तरह से उसकी नीड्स को फुलफिल किया जा रहा है।
सेकंड आ गया है रोल ऑफ प्रिंसिपल और स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर। प्रिंसिपल का रोल भी जो है वो बहुत ही प्रायोरिटी वाला है, क्योंकि प्रिंसिपल जो है उस पर पूरा डिपेंड करता है वो किस तरह से इंक्लूसिव स्कूल चला रहे हैं, उनका स्टाफ कैसा है, स्टाफ में वो सब बच्चों को एनकरेज कर रहे हैं कि नहीं, किसी की बुलिंग तो नहीं हो रही है, किसी बच्चे को जो है इन्फीरियर तो नहीं रखा जा रहा है। तो वो स्टाफ जो है, जैसे होल स्कूल अप्रोच हमने पीछे पढ़ी थी कि पूरा स्कूल, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, चाहे टीचिंग स्टाफ है, हर कोई जो है वो इन्वॉल्व हो इसमें, हर कोई इंक्लूजन को माने, उसे एक्सेप्ट करे, तभी जो है वो चीज प्रोग्रेस कर सकती है। तो मतलब ये एनकरेज करते हैं अपने स्टाफ को, अपनी हर चीज को, ताकि वो इंक्लूजन प्रोग्राम को और अच्छी तरह से चला पाए और अच्छी तरह से आगे बढ़ा पाए। तो वो हर पॉसिबल अटेम्प्ट करें कि जो जो चीजें जरूरी हैं एक इंक्लूजन स्कूल में, वो सब चीजें जो हैं वो स्कूल के पास हो, उन्हें प्रोवाइड की जाए बच्चों को। तो वो चीज सारी की सारी किसका रोल होता है, प्रिंसिपल का या स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर का। इनका काम है कि ये टीचर्स को जो है टाइमली शेड्यूल दें कि भाई वीकली बेसिस पे आप कुछ ऐसी प्लानिंग करें कि आप कोलेबोरेटिव लर्निंग करवा पाए, मतलब को टीचिंग करवा पाए। जैसे कि एक जो सब्जेक्ट टीचर है, एक साइकोलॉजिस्ट हो जाए उनके साथ, या एक फिजियोथेरेपिस्ट हो जाए, थेरेपिस्ट हो जाए, कोई भी बंदा हो जाए जो उनकी हेल्प कर सके स्पेशल नीड्स को जानने में बच्चे की। और वो एंश्योर करें कि सारी स्कूल पॉलिसीज जो हैं वो प्रमोट करें इंक्लूजन को, मतलब जो एक सेटिंग है उसको मैक्सिमम एक्सटेंड तक ले जाएं, इस तरह से इंक्लूसिव सेटिंग्स को जो है प्रमोट किया जाए, एनकरेज किया जाए। नेक्स्ट आगे है रोल ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट। स्पीच थेरेपिस्ट कौन होते हैं? जिन बच्चों को बोलने में दिक्कत होती है, जिन बच्चों को स्पीच में डिफिकल्टी होती है, उनकी हेल्प करने के लिए जो थेरेपिस्ट होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है स्पीच थेरेपिस्ट। वो उन स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं जिन बच्चों को स्पीच में दिक्कत आती है। तो वो कैसे कैसे करेंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? ही विल डेवलप, मॉनिटर एंड राइट असाइन स्टूडेंट स्पीच थेरेपी। मतलब जो भी स्टूडेंट उनको असाइन किए गए हैं कि ये चार स्टूडेंट हैं, ये पांच स्टूडेंट हैं आपके, इनको क्या दिक्कत है, वो मॉनिटर करेंगे उस चीज को, और फिर उस चीज को रिटर्न में अपने पास लिखेंगे, और फिर एक आईईपी जो है वो प्रोवाइड करेंगे उसकी कॉपी। आईईपी क्या होता है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, मतलब कि इंडिविजुअल बच्चे के लिए, एक एक बच्चे के लिए जो प्रोग्राम होता है उनकी नीड के हिसाब से, वो जो है वो प्रोवाइड करेंगे उसको टीचर्स को या स्कूल को विद इन 5 डेज, जो भी उनकी टाइम लिमिट होगी उसके अंदर वो टीचर को प्रोवाइड कर देंगे कि इस तरह से हम वर्क करेंगे। और उस प्रोग्राम में क्या होगा, उसमें होंगी स्ट्रेटेजीज, उन स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग जो है वो काम करेंगे ताकि उन बच्चों को फायदा दे सके। जो स्ट्रेटेजीज बनाई थी उस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे, और उस चीज को जो है कंसल्ट करेंगे पेरेंट्स के साथ, जनरल एजुकेटर के साथ, स्पेशल एजुकेटर के साथ, और जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मतलब कोई भी सर्विस जो कि बच्चे की बेनिफिट के लिए प्रोवाइड की जाती है, कोई एड्स मंगाए जाते हैं, कोई भी उनकी सर्विसेज मंगाई जाती हैं, तो वो उनके साथ जो है कंसल्ट करेंगे कि हम ये स्ट्रेटेजीज अपना रहे हैं बच्चों के साथ, मतलब उन्हें अवेयर करेंगे इस चीज के बारे में। और फिर उसके बाद जो है वो स्ट्रेटेजीज जब हम अप्लाई करेंगे तो हम बच्चों की परफॉर्मेंस देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कोई नई चीज इंक्लूड करी अपने सिलेबस में, तो हम उसको पहले सेमेस्टर में देखेंगे 6 महीने बाद कि भाई वो चीज जो हमने इंक्लूड करी थी क्या वो चीज कुछ फायदा दे रही है बच्चों को, फायदा नहीं दे रही है, क्या हमें कोई और चीज इंप्लीमेंट करनी है, किस हिसाब से अपने करिकुलम में को अपडेट करना है। तो वो चीजें उस चीज में फायदा करती हैं। तो इसीलिए रेगुलर इंटरवल पे बच्चों की परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा कि भाई वो परफॉर्म वेल कर रहे हैं या फिर उसके परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं आ रहा है, तो वो चीजें चेक की जाएंगी और उस हिसाब से जो है उसको और मतलब अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो इस तरह से इन्हें जो है करिकुलम में भी कुछ इंप्लीमेंट करना होता है, तो ये जो है वो इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये रोल होते हैं आपके स्पीच थेरेपिस्ट के। देन है रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कौन होते हैं? ये ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि बच्चे की मोटर स्किल्स को डेवलप, जिनकी को प्रॉब्लम होती है मोटर स्किल्स करने में, उनकी हेल्प करने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वहां पे होते हैं। मोटर स्किल्स में जिन बच्चों को दिक्कत आती है उनको कुछ ऐसी एक्टिविटीज प्लान करके दी जाए, ऐसे उनको जो है टास्क दिए जाए जिससे कि वो इस चीज में बेहतर हो सके। एक होती है फाइन मोटर स्किल, एक होती है आपकी ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल क्या होती है? अब जैसे मैंने ये पेंसिल पकड़ी है तो मेरा इसमें प्रॉपर जो है हैंड का ये होना चाहिए, फिंगर का कोऑर्डिनेशन जब मुझसे पकड़ी जा रही है, तो फिर वो क्या है? फाइन मोटर स्किल है। मतलब कि ये फाइन मोटर स्किल है कि आपकी फिंगर्स किस तरह से ग्रिप कर रही है किसी चीज को, पेंटिंग आप कैसे कर रहे हैं, ड्रॉइंग आप कैसे कर रहे हैं, मतलब बारीक स्किल को फाइन मोटर स्किल कहा जाता है। ग्रॉस मोटर स्किल मतलब आप कैसे भाग रहे हैं, कैसे आप रस्सी कूद रहे हैं, कैसे आप जो है बाइक चला रहे हैं, बॉल को कैच कर रहे हैं, मतलब जिसमें आपके पूरे हैंड की मूवमेंट हो रही है या लेग्स की मूवमेंट हो रही है, उसे कहा जाता है ग्रॉस मोटर स्किल। और किसी एक पर्टिकुलर पार्ट की होती है उसे फाइन मोटर स्किल। मतलब जैसे पेंसिल में किसकी हो रही है? आपकी ग्रिपिंग की हो रही है कि भाई आप अपनी फिंगर से कैसे ग्रिप कर पा रहे हैं, तो वो होती है फाइन मोटर स्किल। तो फाइन मोटर स्किल के एग्जांपल क्या है? पेंटिंग है, ड्रॉइंग है, कटिंग विद सीजर, सीजर से आप कुछ कट कर रहे हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स के एग्जांपल्स क्या है? जैसे आप स्किपिंग कर रहे हैं, मतलब रस्सी कूद रहे हैं, कोई पोस्चर है आपका, रनिंग जैसे कैच कर रहे हैं कोई बॉल को, बाइक राइड कर रहे हैं, तो ये आती है ग्रॉस मोटर स्किल। तो इनमें कोई भी दिक्कत होती है बच्चों को अगर, तो वो कहलाई जाती है कि भाई उन्हें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की नीड होती है।
तो स्पेशल कंट्रीब्यूशन क्या है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, ये जो है ये क्या करेंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करते हैं और रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं पेरेंट्स को और टीचर्स को, टीचर्स ताकि उन्हें स्कूल में जो है उस एक्टिवली पार्टिसिपेट करवा पाए और पेरेंट्स उनका घर पे ये काम कर पाए ताकि उनकी मोटर स्किल्स डेवलप हो, तो वो चीजें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उन्हें प्रोवाइड करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो हेल्प करते हैं टीचर की कि वो कैसे रिकॉग्नाइज करें कि इस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आ रही है या इसके मोटर स्किल अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो ये चीज वो बताएंगे कि किस स्ट्रेटेजी से उनको जो है डिटेक्ट किया जा सकता है कि इस बच्चे को कुछ दिक्कत है मोटर स्किल्स में। ही विल प्रोवाइड असिस्टेंस इन द डेवलपमेंट, वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे बच्चे को जिनको उनकी जरूरत है। जो ओटी होते हैं विल ऑब्जर्व, ओटी यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को कहा गया है, ओटी जो होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं कि स्टूडेंट कितना पार्टिसिपेट कर रहा है डे टू डे एक्टिविटीज में और किस चीज में उसे चैलेंज आ रहा है, मतलब वो फाइंड कर रहे हैं कि किस चीज में उसको डिफिकल्टी आ रही है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कैसे वो जो है प्ले कर रहा है, कैसे उसके स्कूल स्किल्स है, मतलब पेंसिल कैसे ग्रिप कर रहा है, सीजर्स कैसे यूज कर रहा है, वो पेंटिंग कैसे करता है, वो खाना कैसे खाता है, ड्रेसिंग कैसे कर रहा है, अपनी सोशल स्किल्स कैसे हैं, ये सब कुछ जो है ओटी उनके ऑब्जर्व करेंगे और फिर उसके ऊपर जो है अपना बनाएंगे डिसीजन कि भाई हाँ इनको किस किस स्ट्रेटेजीज की जरूरत है। तो ओटी जो है वो टीचर की हेल्प करेंगे ताकि वो ऑब्जर्व कर सके मोटर स्किल्स को और आइडेंटिफाई करें अपने स्टूडेंट में कि उनको किस चीज की जरूरत है, किस पार्टिसिपेशन की जरूरत है, क्या उनकी ग्रोथ मोटर स्किल्स में दिक्कत है, क्या उनकी फाइन मोटर स्किल्स में दिक्कत है, तो उसी हिसाब से उनको एक्टिविटीज दी जाएंगी। नेक्स्ट है इसमें कि ओटी विल एड इन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, उनको स्ट्रेटजीज देंगे टीचर को कि आप ये चीजें करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वो उनको एग्जांपल देंगे कि आप कोऑर्डिनेशन में काम करवाइए कि बच्चों को जो है सीजर से कट करने के लिए दीजिए, उनको पेंटिंग करवाइए, उनको कीबोर्ड यूज करना बताइए, उनको डेली फिटनेस रूटीन बताइए कि आपको जो फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, एक्सरसाइज करनी है, दौड़ना है, रस्सी कूदनी है, तो ये सब चीजें वो स्ट्रेटजीज में इंक्लूड करेंगे। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होते हैं वो खुद प्रोफेशनल होते हैं, उन्होंने ये पढ़ाई की होती है ताकि वो बच्चों को जो है इसमें हेल्प कर सके, तो वो एक ब्रिज बना देते हैं आपकी हेल्थ केयर में, हेल्थ केयर सिस्टम में, क्योंकि ये एक हेल्थ इशू है जो डिसेबिलिटी होती है बच्चों को, और एक एजुकेशनल सिस्टम में, उसके बीच का एक ब्रिज बना देते हैं कि वो दोनों चीजें अच्छी तरह से कर पाएं। देन आपका रोल आता है फिजियोथेरेपिस्ट का। फिजियोथेरेपिस्ट क्या होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट जैसे आपने देखे भी होंगे कि आपको कहीं पे पेन हो रहा है और आपका वो पेन, जैसे डॉक्टर कह रहा है आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, वो कुछ एक्सरसाइज करवाएंगे आपसे तो आपका पेन ठीक हो जाएगा, या फिर वो कोई इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं जिससे कि आपका पेन ठीक हो जाता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट आपके एक तो पेन मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, फिजिकली या कोई मोबिलिटी प्रॉब्लम होती है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है आपको, या कहीं पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है सीवियर, जैसे कमर में दर्द हो रहा है या पैरों में दर्द हो रहा है, तो उसमें आपके फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो जो फिजिकल मूवमेंट होती है बच्चे की, उसमें जो भी दिक्कत आती है मसल बोन में, इन चीजों को ठीक कर सकते हैं, इनके बैलेंस को, इनके पोस्चर को, किस तरह से पेन मैनेजमेंट करनी है, मतलब किस तरह से आपको बैठना है, क्या आपको एक्सरसाइज करनी है, कैसे आपको सोना है, मतलब आपको पिल्लो लेना है या नहीं लेना है, तो हर चीज वो आपको बता देते हैं, तो उनका वो काम होता है फिजियोथेरेपिस्ट। ये जो है डायरेक्ट फिजिकल थेरेपीज देते हैं स्टूडेंट को, एक्सरसाइज बताई जाती है उन्हें ताकि वो जो है अकॉर्डिंगली, उनके अकॉर्डिंगली कि उनको दिक्कत किस चीज में आ रही है उनके अकॉर्डिंग उनको प्रॉपर एक्सरसाइज बताते हैं। ये जो होते हैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बताते हैं उन्हें, ताकि उन बच्चों को उनके पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप घर पे जो है इस तरह से इनके हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, इस तरह से एजुकेशन में आपको फायदा करेगा, सोशली आपको फायदा करेगा, तो वो पेरेंट्स से कोऑर्डिनेट करते हैं, टीचर्स से कोऑर्डिनेट करते हैं, बच्चे की पूरी प्लानिंग बताते हैं कि इस तरह से इनको ट्रेनिंग प्रोग्राम देना चाहिए कि मॉर्निंग में उठते इन्हें ये एक्सरसाइज करनी है या ये योगा इनके लिए बेनिफिशियल है, वो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको एक्सरसाइज और उनको जो है थेरेपीज बताते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो बच्चों की डेली एक्सरसाइज रूटीन बताते हैं, उनको क्या गेम्स खेलने चाहिए, कौन से असिस्टिव डिवाइस इनके लिए ठीक होते हैं, वो भी प्रिस्क्राइब फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा ही किया जाता है। जैसे फिजियोथेरेपिस्ट ही उन्हें बताएगा कि इनको व्हीलचेयर की नीड है या इनको किसी राइटिंग में कोई एड की नीड है, किसी भी चीज की नीड है, वो चीज असिस्टिव डिवाइस भी कौन से यूज करने हैं उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए, वो भी फिजियोथेरेपिस्ट ही आपको रिकमेंड करेंगे। अब हम कर रहे हैं असिस्टिव डिवाइसेस एंड नीड एंड इम्पोर्टेंस फॉर द डिसेबल चिल्ड्रन। देखिए डिसेबल चिल्ड्रन कौन होते हैं, देखिए हर बच्चा डिफरेंट है, हर बच्चे की नीड्स डिफरेंट है, हर बच्चे का लर्निंग कैपेसिटी डिफरेंट है। जो बच्चों में कोई भी तरह की इम्पेयरमेंट होती है उसे कहा जाता है डिसेबल चिल्ड्रन, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, बिहेवियर इशू है, फिजिकली हैंडीकैप है, हर तरह के बच्चे जो हैं जिसमें कुछ ना कुछ इम्पेयरमेंट है उसे डिसेबल चिल्ड्रन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा ब्लाइंड है, उसे आंखों से दिखाई नहीं देता, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, किसी के बोलने में दिक्कत आ रही है, किसी को जो है समझ नहीं आता है, मेंटली रिटार्डेड है कोई बच्चा, या कोई चलने फिरने में किसी को दिक्कत है, तो वो सब बच्चे जो हैं वो डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं, चाहे वो फिजिकली हैं चाहे वो मेंटली हैं, तो इन्हें कहा जाता है फिजिकली डिसेबल चिल्ड्रन। तो हर बच्चे की नीड डिफरेंट होती है, हर बच्चे की लर्निंग अलग होती है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी को भी एक सपोर्ट दे दें तो वो सबके लिए काम आएगा, नहीं, हर बच्चे की नीड अलग अलग है। किसी को बोलने में दिक्कत आ रही है, कोई देख नहीं पा रहा है, तो उसको सुनने वाला अगर एड दे देंगे तो उसके लिए यूजलेस है। तो असिस्टिव डिवाइस का मतलब है जो असिस्ट
असिस्ट करे, जैसे नेम असिस्टिव जो बना है वो असिस्ट से बना है। जैसे कोई आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है और आपको एक पेयर बना दिया जाता है कि भी आपका फ्रेंड और आप मिलके इसको करेंगे, तो आपका फ्रेंड इसमें आपको असिस्ट कर रहा है कि भाई आपको कोई दिक्कत आती है तो वो आपकी हेल्प करेगा। या फिर टीचर एक असिस्टिव की तरह काम करती है कि भाई वो आपको असिस्ट करती है, आपको कहीं पर प्रॉब्लम आती है पढ़ने में तो टीचर आपको उसको समझाती है, टीचर एक एज अ गाइड आपको उस चीज को और आगे बढ़ाती है, सपोर्ट सिस्टम देती है। तो असिस्ट का मतलब है कि आपका हेल्पिंग हैंड या आपका सपोर्ट सिस्टम ऐसा डिवाइस बना दिया जाए जो आपको सपोर्ट करे, आपकी हेल्प करे। तो इसमें क्या नीड है, देखिए स्पेशल बच्चे जो होते हैं उनकी लर्निंग स्ट्रेटेजीज अलग होती हैं, उनको अलग सर्विसेज देनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है कि उनको जो है स्पेसिफिक असिस्टिव और सपोर्टिव डिवाइस चाहिए। हर एक ही डिवाइस जो है सब डिसेबल बच्चों के लिए काम नहीं आ सकता है, तो हर किसी की जो है डिफिकल्टी के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से उनको ये चीज दी जाती है। टाइप्स ऑफ असिस्टिव डिवाइस क्या है, आपके दो टाइप के असिस्टिव डिवाइस, एक तो होते हैं जो असिस्टिव डिवाइस होते हैं, मतलब कि बच्चे को वो असिस्ट करते हैं जो डिसेबल बच्चे होते हैं ताकि वो एजुकेशन आसानी से ले पाए, उन्हें लर्निंग प्रोग्राम में बेनिफिट हो। फॉर एग्जांपल जैसे किसी का लो विजन है तो उसको बोल्ड लेटर वाली बुक्स दे दी गई है, उसको स्पेक्टिकल्स ऐसे दे दिए गए हैं जिससे वो आराम से देख पा रहा है। एक ब्लाइंड बच्चा है उसको ब्रेल स्क्रिप्ट से पढ़ाया जा रहा है जिसमें वो रेज्ड आपके लेटर्स होते हैं जिसको बच्चा टच करके पढ़ सकता है। हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है उसको हियरिंग एड दे दी गई है, तो ये होते हैं असिस्टिव डिवाइस। इसमें आ गया है सपोर्टिव डिवाइस और फैसिलिटीज, ये भी असिस्टिव डिवाइस को ही सपोर्टिव डिवाइस कहा जाता है, लेकिन ये पार्ट अलग अलग है। असिस्टिव डिवाइस वो होते हैं जो उनकी लर्निंग आउटकम को बेहतर करें, और सपोर्टिव डिवाइस वो होते हैं जो कि उनको फैसिलिटीज दें, मतलब जैसे कि आपके स्टेयर्स के साथ रैंप बनवा दिया जाता है, तो एक असिस्टिव डिवाइस है व्हील चेयर, और वो सपोर्ट कैसे कर सकते हो आप, जब तक अगर व्हील चेयर आपके पास है लेकिन सिर्फ स्टेयर्स हैं आपके स्कूल में तो आप ऊपर तो नहीं जा सकते हो व्हील चेयर को लेकर, तो रैंप होंगे दैट इज अ सपोर्टिव डिवाइस, कि रैंप बने हुए हैं उससे आप व्हील चेयर क्लास तक पहुंचा सकते हैं। या फिर जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप हैं वो पानी पीने जा रहे हैं या वॉशरूम जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं आगे क्लासरूम में जो बोर्ड के पास आ रहे हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल रोड फिक्स कर दी जाए वहां पे ताकि वो बच्चे उसे होल्ड करके आराम से खड़े हो सके, उनको गिरने का डर ना रहे, तो उन्हें कहा जाता है सपोर्टिव डिवाइस और सपोर्टिव फैसिलिटीज। तो असिस्टिव डिवाइस को ही कहा जाता है जो कि हेल्प करें बच्चों को, सपोर्ट दें उसे ही कहा जाता है असिस्टिव। तो इसके दो पार्ट्स बना दिए गए हैं कि एक तो हम डिवाइस बना रहे हैं लेकिन उस डिवाइस को यूज जब भी कर पाएंगे जब हमें सपोर्टिव फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, तो ये होती हैं आपके दो पार्ट्स, असिस्टिव डिवाइस एंड सपोर्टिव फैसिलिटीज। सेकेंड आ गया है आपका कि यूज क्या है अब असिस्टिव डिवाइस के, कैसे हम यूज कर सकते हैं, तो इसके हर इम्पेयरमेंट के हिसाब से अलग अलग यूज हैं। जैसे असिस्टिव डिवाइस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए हम कौन से असिस्टिव डिवाइस बना सकते हैं, इसमें है मैग्नीफाइंग ग्लास दे सकते हैं, हैंड मैग्नीफायर दे सकते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब हैंड मैग्नीफायर, जैसे कि वो ज्योतिष वगैरह देखते हैं आपके हथेलियों में देखते हैं, जिससे आपको अच्छा बड़ा दिखाई देता है, बोल्ड दिखाई देता है, वो यूज कर सकते हैं वो डिवाइस। देन है क्लोज सर्किट टेलीविजन, क्लोज सर्किट टेलीविजन का यहाँ पे मतलब है सीसीटीवी। देखिए क्लोज सर्किट टेलीविजन में क्या होता है कि वो जो मटेरियल वो जब लेके जाते हैं उसके ऊपर जो भी चीजें उन्हें बुक में समझ नहीं आई होती है, वह सामने जो स्क्रीन लगी होती है उसमें वो बड़ी होकर मैग्नीफाई होकर दिखती है, तो बच्चे उसे इजिली रीड कर पाते हैं जिनका लो विजन होता है। लार्ज प्रिंट मटेरियल मतलब लार्ज प्रिंट की बुक्स होनी चाहिए, जैसे कि एक नॉर्मल बच्चे को जितने प्रिंट में दिखाई देते हैं उससे बड़े प्रिंट वाली, जैसे कि एक अगर लाइन में एक नॉर्मल बच्चे के 10 वर्ड आ रहे हैं तो एक जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है उसके एक लाइन में जो है 5 वर्ड ही आए ताकि वो उसको इजिली देख पाए। ब्रेलर दिया जाता है, जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनको ब्रेल स्क्रिप्ट द्वारा पढ़ाया जाता है, तो ये भी जो है आपके असिस्टिव एड्स ही कहलाए जाएंगे। टॉकिंग कैलकुलेटर मतलब किसी बच्चे को कोई कैलकुलेशन करनी है तो उसमें जो है वो बोल के और कर सकते हैं उसमें, क्योंकि उन्हें पता दिखेगा तो है नहीं कि वो टाइप कर रहे हैं तो बोल के कर सकते हैं। ऐसे कीबोर्ड्स बनाए जाएं, तो ये सब है हियरिंग विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए सारे के सारे असिस्टिव डिवाइस। देन है असिस्टिव डिवाइस फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे। अब हियरिंग इम्पेयर्ड मतलब जिनको कि अच्छी तरह सुनाई नहीं देता है या बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता है, उनके लिए किस टाइप के डिवाइसेस बना सकते हैं, तो उनके लिए बना सकते हैं हियरिंग एड, जैसे कि हेडफोन हो गए, एम्पलीफायर हो गए, जिनको यूज करके वो सुन सकते हैं। साइन लैंग्वेज पैकेज मतलब साइन लैंग्वेज के हिसाब से पर्टिकुलर कुछ एड्स दे दिए गए हैं, कोई अल्फाबेट, कोई वर्ड्स, या इस तरह से वो अपनी लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं, इस तरह की कोई बुक बना दी गई है उनकी। बच्चों को कम सुनाई देता है, हियरिंग इम्पेयर्ड में देखिए दोनों तरह के बच्चे आ जाते हैं, जिनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है और एक जिनको कम सुनाई देता है, जिनका लॉस ऑफ हियरिंग पावर हो चुका है, तो उन बच्चों के लिए जैसे अब जिनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है तो उनके लिए हियरिंग एड कोई काम नहीं आएगा, उनको क्या है कुछ विजुअली ऐसी चीजें एड दिए जाएं, विजुअली ऐसा दिखाया जाए कि बच्चे जो है देख के सीखे, कुछ कलरफुल चीजें ऐसी दिखाई जाए, 3D मॉडल
सिखाए जाए। तो इस तरह से फ्लैश कार्ड हो गए हैं, तो इस तरह से बच्चे और अच्छी तरह से सीख सकते हैं। देन है ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड बच्चे। ऑर्थोपेडिकली का मतलब है कि कोई भी फिजिकल डिफॉर्मिटी या डिफेक्ट के, जैसे पैर टेढ़े हो गए हैं या किसी के उंगली नहीं है, मतलब कोई भी ज्वाइंट्स की, बोन्स की, मसल की कोई भी दिक्कत है, कोई भी कोऑर्डिनेशन में दिक्कत है, तो वो आपके कहा जाएंगे ऑर्थोपेडिकली, जो कि बोन से आपके फिजिकल स्ट्रक्चर, जो कि फिजिकल डिफेक्ट होता है, उससे रिलेटेड है। कि इसमें बोन्स भी आ सकते हैं, ज्वाइंट भी आ सकते हैं, मसल्स भी आ सकते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होती तो वो डिसेबिलिटी होती है, जिसमें बच्चे को चलने में दिक्कत आ सकती है, लिखने में दिक्कत आ सकती है, बैठने में दिक्कत आ सकती है, तो इस तरह की इन्फॉर्मिटी हो सकती है। तो उन बच्चों के लिए क्या है, अब वो बच्चे अच्छी तरह से लिख नहीं सकते एक स्पीड में, तो उनके लिए पेन होल्डर्स ला दिए जाए, थोड़े थिक पेन बना दिए जाए एज ए असिस्टिव डिवाइस, उनको पेन होल्डर दे दिए जाए ताकि वो बच्चे उसमें आराम से रख सके, पेज टर्नर दे दिए जाए, क्योंकि बच्चे जो है पेज टर्न आराम से नहीं कर सकते क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि भाई वो अपने हैंड को जो है इजीली मूव कर सकते हैं। उन बच्चों को जो है लैप बोर्ड दे दिया जाए, लैप बोर्ड मतलब कि जो उनकी गोद में रख दिया जाए बोर्ड, ताकि वहां पर बुक वो जो है रख सके आराम से। व्हील चेयर उनके लिए बनवा दी जाए, उनके लिए फर्नीचर जो है इस हिसाब का बनवा दिया जाए जो उनको सूट करे, जिसमें वो आराम से बैठ सके, तो इस तरह की चीजें उनको दे दी जाए। बुक होल्डर हो, जिसमें पेन होल्डर हो, तो ये चीजें उनको थोड़ा सपोर्ट करती हैं ताकि वो इसमें कंफर्टेबल फील करते हैं। देन है स्पीच इम्पेयर्ड बच्चे, जो कि अच्छी तरह बोल नहीं सकते हैं, जिनमें की कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, कि भाई जो बोलने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए हमारी मसल्स को, वो बोल नहीं पाते हैं अच्छी तरह से, तो इनको एज असिस्टिव डिवाइस में हियरिंग एड्स दे सकते हैं, ग्रिडल्स दे सकते हैं, ब्रेसेस दे सकते हैं और बाकी चीजें दे सकते हैं, जैसे जिससे ये पढ़ाई अच्छी तरह से कर ले, थोड़ी थोड़ी स्पीच की प्रैक्टिस करें, उस तरह की इनको ऑडिटरी कैसेट्स दे सकते हैं, टेप्स दे सकते हैं, ताकि उस चीज से ये अपनी आर्टिफिशियल लैंग्वेज जो है वो डेवलप कर सके, आर्टिफिशियल स्पीच जो है डेवलप कर सके। देन है डिवाइसेस यूजफुल फॉर दी चिल्ड्रन यूजिंग लर्निंग इम्पेयर। अब लर्निंग इम्पेयर कौन से बच्चे होते हैं, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे को किसी भी डिसेबिलिटी के कारण, बोलने के कारण, लिखने के कारण, मतलब लर्निंग उनकी कम हो, स्लो लर्नर्स हो वो, तो वो कही जाती है लर्निंग डिसऑर्डर। इसमें कोई भी बच्चा आ सकता है, जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत है, जिसको बोलने में दिक्कत है, राइटिंग में दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, या फिर वो बच्चा जो है हाइपर एक्टिव है, तो मतलब ये सारे बच्चे जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी में आते हैं, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कैसेट्स और टेप की हेल्प से जो है बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बेसिक जो है उनको ऐसे मटेरियल्स दे सकते हैं, ब्लॉक्स दे सकते हैं, टेप रिकॉर्डर, विजुअल टेप्स दिखा सकते हैं उनको, क्ले मॉडलिंग दिखा सकते हैं, सॉर्टिंग के लिए मटेरियल दिया जा सकता है, कि भाई आप पजल दी जा सकती हैं उन्हें, बोर्ड्स दिए जा सकते हैं, जैसे कि वो ब्लॉक्स आते हैं जिससे कि आप कुछ भी बनाते हैं ब्लॉक्स, और फिर उन्हें सॉर्ट करते हैं कि कौन से स्क्वायर में है, कौन से ट्रायंगल में है, इस तरह से दिया जा सकता है। क्ले मॉडलिंग दिखाई जा सकती है, कि भाई डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है क्ले की हेल्प से बना के दिखाए जा सकते हैं, स्क्रैप बुक्स उनको दिखाई जा सकती है, तो काफी सारी चीजें, क्विज मटेरियल उनको दिखाया जा सकता है, तो ये सब इनके असिस्टिव डिवाइस होते हैं। लास्ट आ गया है सेरिब्रल प्लेसे, इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड बच्चे, मतलब सेरिब्रल प्लेसे जिनको है, जो कि स्लो लर्नर होते हैं, मेंटली डेफिशिएंट होते हैं ये बच्चे, क्योंकि इनमें जो है वो कहां पे प्रॉब्लम आती है, ब्रेन की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, जहां पे मोटर न्यूरॉन जो है प्रॉपर सिग्नल्स नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए उनके पोस्चर में और बैलेंस में दिक्कत रहती है, कि वो बच्चों तक क्योंकि सिग्नल ही नहीं पहुंचते हैं, तो वो उस तरह से एक्ट नहीं कर पाते, उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती है। और इसमें जो है मल्टीपल डिसेबिलिटी भी हो सकती है ऐसे बच्चों में जो है, और एपिलेप्सी की कंडीशन भी, हाई इंसिडेंस हो सकते हैं इसमें एपिलेप्सी के भी। तो इनके लिए कैलेंडर बनाए जा सकते हैं, जो कि नोटिफिकेशन दिखाएं आपके मंथ की, डेट की, डेज की। कुछ सेटिंग एड्स ऐसी दी जा सकती है जिसमें बच्चे अच्छी तरह से बैठ पाए। इनको जो है व्हील चेयर प्रोवाइड की जा सकती है, इनको कीबोर्ड्स, टाइपराइटर, वर्ड प्रोसेसर, इनकी हेल्प से जो है असिस्ट करके, ऐसे असिस्टिव डिवाइसेज देके इनकी लर्निंग बेहतर करवाई जा सकती है।